गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों आप सभी पार, पार की इस में या यू के रिवीजन में आज का हमारा कॉम्बिनेशन एंड आफ्टर द ब्रेक वी विल इन फैक्टल दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब और इन साइट बट ये आपके पास परमानेंटली अवेलेबल रहेगा फॉर यॉचिंग द लेक्चर लेटर चलिए शुरुआत करेंगे सिंस द लेक्चर वुड बी अवेलेबल फॉर यू

ओके गुड मॉर्निंग हो जाए जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्कारम चलिए बढ़िया है शानदार ओके ओके चलिए तो संडे मॉर्निंग यू कैन अंडरस्टैंड द फील इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट इज बट लवली सीइंग यू ऑल हियर एंड लेट्स गेट गोइंग सबसे पहले एक चीज समझ लो दोस्तों इंडियस 103 किसकी बात करता है बिजनेस कॉम्बिनेशन तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपने क्या बिजनेस खरीदा या असेट खरीदा ये देखिए सपोज फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैंने लेके आया मैं और ये कैमरा कोई ऐसा ऐसा कैमरा नहीं है दोस्तों, किसी को भी सच, camera, करोड़ रुपीस, हो गया सर लाख कर लो चलो दस हजार कर लो ये पर्टिकुलर असेट को हम क्या रिकॉर्ड करेंगे इट इज नॉट एन एक्विजिशन ऑफ बिजनेस डेफिनेटली इट इज एन एक्विजिशन ऑफ असेट तो इंडेज थ्री यहां पर लगी नहीं रहा है पर मैंने क्या किया आई लिया तो मैंने फॉर एग्जाम्पल पूरा का पूरा एक ले sir, ये भी अरे नहीं, नहीं ये तो हॉटस्टार है, है. <laughs> अरे क्या कर रहे हो, is, अब आप बताइए दोस्तों अगर सपोज मैंने कहा था कि ये मैंने एक लाख रुपए में कैमरा खरीदा आप इसे सिंपली एक लाख पे रिकॉर्ड कर दोगे इरिस्पेक्टिव ऑफ इसकी मार्केट वैल्यू क्या है क्योंकि पीपी एक्वायर्ड इज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट बट वेन आई सेन आई एम नॉट एक्वायर्ड वन असेट बट आई दोस्तों ऐसी क्या मैं ये कहूं कि अगर मैंने थाउजेंड करोड पे एक्वायर किया है तो मैं इसके अंदर जितनी असेट्स हैं उन सारी असेट्स को थाउजेंड करोड़ पे कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दूं ऐसा नहीं होगा डेफिनेटली ओपन दिस यार इसमें क्या क्या असेट्स हैं और इसमें कई सारी एसेट्स होंगी उन सारी एसेट्स को मुझे किस पे वैल्यू करना पड़ेगा तो मैंने देखा कि ओहो हो ये बॉक्स खुला है इसमें एक असेट आई है तो लट से इसमें पूरे स्टूडियो आए हैं से इसके अंदर से ये कैमरा इक्विपमेंट्स निकले ऐसी बहुत सारी चीजें निकल के आई है तो इन सबको मैं किस पे मेजर करूंगा फेयर वैल्यू पे मेजर करूंगा पर ये सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को अगर मैंने फेयर वैल्यू पे मेजर कर भी दिया तो क्या थाउजेंड करोड़ जो मैंने कंसिडरेशन इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए पे किया है उसके बराबर होगा हो सकता है कि इन सारी एसेट्स की फेयर वैल्यू उससे कम आए और अगर ऐसा है तो जो मैंने एक्सेस पे किया उसे मैं गुडविल मानता हूं दिस इज समथिंग वी वी हैव कंसोलिडेशन इन एफआर पावर बैच बट विल ओपन दिस बॉक्स अ लिटिल लेटर व्हाट आई ट्राइंग टू से अगर आपने बिजनेस एक्वायर किया है दोस्तों ना कि एक पर्टिकुलर असेट तो इंडेस डेस वन जीरो थ्री बिजनेस कॉम्बिनेशन लगेगा जो कहता है कि आप सारी असेट्स और लाइबिलिटी को फेयर वैल्यू पे मेजर कर लीजिए और अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया है तो उस केस में आप उसे गुडविल मान लीजिए इंडेस वन जीरो थ्री में यह इंपॉर्टेंट है नंबर वन कि आपने बिजनेस एक्वायर किया है डिज्नी ने हॉटस्टार एक्वायर किया या सिर्फ एक असेट एक्वायर किया नंबर टू व्हाट इज द मोड ऑफ एक्विजिशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट दो तरह से मैं इस कंपनी को एक्वायर कर सकता था पहला तरीका कंपनी एक्वायर करने का मैं इस कंपनी को कहूं कि यार डिज्नी इंडिया में आना चाह रही है और चाहती है कि यहां का मार्केट कैप्चर करे तो उसने बोला कि यार हॉटस्टार बढ़िया चल रहा है बहुत पहले ये शुरू कर दिए थे अपना बिजनेस इसको एक्वायर कर लेता हूं तो कैसे एक्वायर करता हूं मैं बोलता हूं यार मैं इसे एक्वायर करके आई विल ए पॉसिबिलिटी एक ये है कि मैं इसे अपनी कंपनी में ही मिक्स कर दूं तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कंपनी में एक्वायर कर लिया तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार बन गया दिस इज वन कंपनी तो मेरे लिए अब बहुत सिंपल है क्योंकि इसकी सारी एसेट्स मेरी बुक्स में आ गई यानी कि जो डिज्नी की बैलेंस शीट आएगी उसकी बैलेंस शीट में अभी ये सारी एसेट्स भी आ जाएंगे लेकिन हो सकता है मैं कहूं कि नहीं यार इंडिया का मार्केट हॉटस्टार का थोड़ा अलग है यहां की एवेंजर्स अलग टाइप की होती है हमारे यहां पे ब्लैक विडो कैप्टन मार्वल चलती है लेकिन यहाँ पे गंगा कुमोनिका बालिका वधु चलती है तो ये थोड़ा अलग टाइप का बिजनेस है अपन इसको अपनी कंपनी में एस सच एक्वायर तो कर लिया इस पर कंट्रोल लेकिन अपन इसे क्या नहीं करते हमारी कंपनी में मिक्स नहीं करते नहीं करते let us do one thing, हम इसे अपनी एक सेपरेट एंटिटी बना के चलने देते हैं चलने दो तो इसको और ये एक अपनी अलग सब्सिडरी के फॉर्म में काम करती रहेगी अब आप समझिए इस केस में डिज्नी अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है और हॉटस्टार अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है और हो ये रहा है दोस्तों कि हॉटस्टार अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बनाएगी और डिज्नी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बनाएगा लेकिन क्योंकि ये मेरी सब्सिडरी है तो मुझे इसके साथ कंसोलिडेट करना पड़ेगा तो यहां पे दो स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी आएगी जिस दिन मैंने ये डिज्नी हॉटस्टार को एक्वायर किया था उस दिन मुझे इसकी असिट्स की फेयर वैल्यू निकाल के इसका डिफरेंस गुडविल में डालना होगा यह वन बताता है लेकिन आज के बाद से क्योंकि एक सेपरेट एंटिटी है तो टेक्निकली स्पीकिंग मैंने इसकी अपनी बुक्स में नहीं ली इनफैक्ट मैंने इसके शेयर्स एक्वायर किए और इसके ऊपर पूरा कंट्रोल मेरा आ गया शेयर शेयर के मैंने इसके होल्डर को पैसे दे दिए अब मैं इसे बोलूंगा तू अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग बना और ईयर एंड पे मैं तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसोलिडेट करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा ये वन में कवर होगा मतलब ये हो गया दोस्तों कि भले मैं इस कंपनी को एब्सॉर्ब करूं या मैं इस कंपनी के शेयर एक्वायर करूं दोनों ही केस में वन जीरो पर मुझे गुडविल निकालना होगा इसके बाद अगर मैंने इसे एब्जॉर्ब करके अपनी कंपनी में मिक्स कर दिया है तो फिर मुझे आगे वन वन जीरो की कोई जरूरत नहीं है लेकिन अगर मैंने इसे सेपरेट एंटिटी के फॉर्म में रखा है यह अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है देन इन दैट पर्टिकुलर केस मुझे हर ईयर एंड रिपोर्टिंग डेट पर इसके साथ कंसोलिडेट वन वन जीरो में करना वन वन जीरो हम डिस्कस कर चुके हैं आज हमें क्या डिस्कस करना है 103. 103 के बहुत सारे भी कंसोलिडेशन में कवर हो जाते हैं क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन के सारे एडजस्टमेंट हम वहां पर कवर करते हैं बट अब हम यहां पे कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़ने वाले चल रहा है भाई बढ़िया चल रहा है समझ में आ रहा है ओके okay, ब्लैक बढ़िया लगा शानदार चलिए बढ़िया 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 अब आए दोस्तों व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट तो मैंने कहा वन जीरो थ्री लगाने से पहले सबसे पहले यह सोचो क्या आपने क्या खरीदा है और बिजनेस मैंने बोला नहीं भैया मैंने तो बिजनेस खरीदा है तो सेकंड आप ये सोचो बिजनेस कैसे खरीदा है आपने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है या आपने उसके शेयर एक्वायर किया और वो सेपरेट एंटिटी है दोनों ही केस में वन जीरो थ्री लगाई दोनों ही केस में बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग लगेगी लेकिन अगर वो सेपरेट एंटिटी है तो आगे वन वन जीरो लगेगा लेकिन आपने उसे अपनी कंपनी में एब्सार्ब कर लिया है तो आप नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से उसकी आगे अकाउंटिंग करते रहेंगे एक आखिरी चीज तीसरा इंपैक्ट आपको जो देखना है वो यह है कि ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है एक्विजिशन हुआ है इस एक्विजिशन का इंपैक्ट क्या इंपैक्ट मतलब क्या तो दोस्तों डिज्नी और हॉटस्टार दो अलग अलग कंपनी डिज्नी ने हॉटस्टार को एक्वायर कर लिया दिस इज अजनेस कॉम्बिनेशन देर इज नो डाउट अबाउट इट लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हॉटस्टार स्टार की सब्सिडरी और स्टार डिज्नी की सब्सिडरी इन फैक्ट हॉटस्टार इज अ सब्सिडरी ऑफ डिजनी डिजनी इज अ सब्सिडरी ऑफ फॉक्स स्टूडियोज फॉक्स स्टूडियोज इज अ सब्सिडरी ऑफ डिजनी वंस अगेन हॉटस्टार इज अ सब्सिडरी ऑफ स्टार स्टार इज अब्सिडरी आई रिपीट स्टार इज अब्सिडरी ऑफ फॉक्स स्टूडियोज फॉक्स स्टूडियो इज अ सब्सिडरी ऑफ डिजनी और लेट से फॉर एग्जाम्पल डिजनी की खुद की ब्रांड की भी एक डिजनी नाम का एक उसका ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम नेटफ्लिक्स जैसा चलता है उसने कहा कि यार मैं क्यों दो दो ब्रांड अलग अलग चला रहा हूं जैसे कि स्टार स्पोर्ट्स और ईएसपीएन क्यों ना हम दोनों क्योंकि अल्टीमेटली एक ही कंपनी को बिलोंग करते हैं इसे मर्ज कर देते हैं तो देखने में ऐसा ही हुआ है कि डिज्नी ने हॉटस्टार को एक्वायर किया और मर्ज होकर एक एंटिटी बन गए लेकिन ये दोनों तो पहले से ही एक ही एंटिटी के द्वारा कंट्रोल थे और अगर ऐसा है स इट विलेयर खरीद के या करके। तीसरा आपको ये देखना है। उसका क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ही नहीं हुआ है पहले भी वो मेरी कंपनी थी आज भी मेरी कंपनी है इट इज दोनों मर्ज होके अब दो अलग अलग इंटिटी की बजाय इट्स लाइक पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज कर दिया दोनों ही भारत सरकार की कंपनी थी दोनों में ही कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का था मर्ज होकर एक कंपनी बन गई इफेक्टिवली देखा जाए तो अब पंजाब नेशनल बैंक ने एब्सॉर्ब कर लिया ओरिएंटल को लेकिन क्या वापई कोई कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ है तो यह अपने आप में बिजनेस एक्विजिशन नहीं कहलाएगा इस पे एक्विजिशन मेथड 103 का नहीं लगेगा इसका मतलब इसकी अकाउंटिंग आपको कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन की जो ऑफ दिस इंडेक्स में दी गई है वहां पे करना पड़ेगा एक दूसरा इंपैक्ट भी हो सकता है लेट से फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर क्या किया डिजनी हॉटस्टार चालू किया और चल रहा है बढ़िया चल रहा है तो वी एक्वायर्ड हॉटस्टार चल रहा है सब कुछ बट फिर भी हमने देखा कि यार हम कितना भी कर लें पर अल्टीमेटली वी आर नॉट एबल टू बीट एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म को हम बीट नहीं कर पा रहे उनके सीरियल अभी भी टीआरपी रेटिंग में सबसे ऊपर है अरे ये अमेजॉन प्राइम नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ नहीं लगते बालाजी फिल्म के सीरीज के सामने तो उन्होंने एकता कपूर से बात करी और कहा कि यार एकता क्यों ना अपन एक हो जाए वी टू एक्वायर बालाजी बोला कंपनी ने किसको बोला बालाजी को क्या हम तुम्हें एक्वायर करना चाहते हैं एकता कपूर ने बोला हमें कोई दिक्कत नहीं है अच्छा पैसा मिलेगा तो भेज देंगे हम कोई नया काम शुरू कर लेंगे वी डोंट माइंड एट ऑल बट अपने को अपनी ब्रांड का बड़ा इंपॉर्टेंस हमने कहा कि यार देखो इंडिया में आप बहुत ही फेमस और बहुत ही स्ट्रांग ब्रांड है तो अपन एक काम करते हैं अपन प्रेजेंट ऐसा नहीं करेंगे कि डिज्नी ने बालाजी को खरीदा है इनफैक्ट दिखेगा ये कि बालाजी ने डिज्नी को खरीदा है मतलब आप समझ रहे हैं न्यूज क्या फैलेगी न्यूज फैलेगी कि बालिका हैज एक्वायर्ड एवेंजर्स ऐसी न्यूज फैलाएंगे अपन इन इंडिया वो बात अलग है कि आप जब हमें एक्वायर करोगे तो हुआ यह है कि एकता कपूर ने किसको एक्वायर कर लिया इंडिया में डिज्नी हॉटस्टार को और बदले में एकता कपूर ने कंसिडरेशन में क्या किए अपने शेयर इशू किए और उसके खुद की अभी शेयर कैपिटल एक करोड़ शेयर की थी उसने नाइन करोड़ शेयर और इश्यू की है is, is डिजनी और ये दोनों मर्जों की एक एंटिटी बन गए लेकिन एक्चुअल में हमें पता है कि सब्सटेंस में अब एकता कपूर के पास अपनी कंपनी के सिर्फ टेन परसेंट शेयर है क्योंकि नाइनटी परसेंट वो इश्यू कर चुकी है दूसरी कंपनी को इसे कहते हैं दोस्तों रिवर्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू हियर टुडे इज गेटिंग द कॉन्सेप्ट राइट सो दैट आपको पूरा एक फ्लो चार्ट और एक पाथ अच्छे से समझ में आए

एक्विजिशन कैन बी थ्रू शेयर्स इट कैन बी अदर देन थ्रू शेयर वन जीरो थ्री अपलाइज ईयर वन जीरो थ्री प्लस कंसॉलिडेशन अपलाइज वन जीरो थ्री में अकाउंटिंग जो होती है वो एक्विजिशन मेथड से होती है जो कंसोडेशन में हमने डिस्कस किया है कुछ चीजें जो इस इंडेज में कवर नहीं है विलकम टू दैट लेटर स्पेशल केसेस कब आ सकते हैं जब रिवर्स एक्विजिशन है या कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन है एक डिमर्जर भी हो सकता है कि लच्चे फॉर एक्जाम्पल डिजनी और हॉटस्टार ने क्या किया आगे जाकर कि अपनी ही कंपनी को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया और डिजनी अलग और हॉट स्टार वापस से अगर एक हिंदी और एक इंग्लिश चैनल मूवीज चलाती है

ओके वंडरफुल नाइस चलिए दोस्तों ठीक है सभी आईटीसी का डीमर्जर होने वाला है क्या पता नहीं हो पैसे बढ़ाने के लिए शेयर के क्या क्या तरह की कोशिश करते हैं कुछ होता नहीं है सर एक हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन कितने का है हा, हा, वन वन जीरो वर्सेज वन वन थ्री बेटा इतनी देर से क्या समझा रहा था अगर आपने शेयर एक्वायर किए तो 103 लगेगा और बाद में 110 भी लगेगा लेकिन अगर आपने कंपनी पहन ली अपने अंदर यानी एब्जॉर्ब कर ली तो उस केस में आपको सिर्फ 103 लगाने की जरूरत है चलिए ओके लेट्स कूल दैट्स गोइंग गुड गुड ऑल ऑल सर प्रॉपर सही है चले रीस्ट्रक्चरिंग समझो एकदम लास्ट में आएगा बाद में डिस्कस करेंगे कूल cool. अब अपन समझते हैं 103 में हमें क्या पढ़ना है तो एक बेसिक सा लॉजिक अपन पढ़ के आए कंसोलिडेशन में कि जब आप कोई बिजनेस को एक्वायर करते हो तो आप देखते हो कि आपने उसको पीसी कितना दिया क्योंकि यहां पे अब मैंने कंपनी एब्सॉर्ब कर ली है तो यहां पे किसी प्रकार का कोई एनसीआई नहीं है व्हाट आई हैव डन इज आई हैव एक्चुअली नॉट एक्वायर्ड द शेयर्स बट आई हैव द कंपनी एंड मेड अ पार्ट ऑफ माय कंपनी तो मैंने इसकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटी अपनी बना ली और बदले में इसको एक हजार करोड़ का पीसी दे दिया पे करूंगा। तो जो जनरल रूल हमने पढ़ा था तो मैंने बोला हजार करोड़ है इसमें लच्चे सौ करोड़ रुपए का स्टूडियोज आ गए इसके से फॉर एग्जांपल और असेट्स में मैंने कहा कि चलो इसके 500 करोड़ के दूसरे इक्विपमेंट्स आ गए तो ये 600 करोड़ रुपए हो गए साइड में रख दे भाई थोड़ा दूसरे कुछ और इक्विपमेंट्स अपन लेके आ गए अलग अलग तरह की अपनी पीपी आ गई लच्चे ये 200 करोड़ की आ गई 800 करोड़ रुपीस के इक्विपमेंट हो गए अच्छा हो सकता है कोई लाइबिलिटी वगैरह भी आई हो तो यहाँ पे मैंने देखा कि कोई लाइबिलिटी है क्या ओके okay, तो इस तरह के कुछ क्रेडिट्स भी हैं इसके उधार भी हैं पचास करोड़ के ये हैं ये हट गए तो अब इफेक्टिवली मैंने अभी तक जो निकाला उसमें सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ में कैलकुलेट कर चुका हूँ ये क्या है सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ की इसकी फेयर वैल्यू ऑफ असैट्स और लाइबिलिटी पर मैंने तो हजार करोड़ दिए तो मैं देखता हूँ यार ये जो मैंने ज्यादा पैसा दिया है इसके बदले मुझे और क्या मिला है तो so okay. okay. इधर कुछ है क्या लाओ, देखते हैं। यहां पे कुछ है क्या? आओ देखते हैं तो so मैंने देखा ओ यहाँ पे है काफी कुछ चीजें हैं देर आर लॉट ऑफ आर देयर इन साइड तो एक करके को करता आपके साथ चलिए <laughs> तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या हुआ यहां पे मैंने देखा कि अब आप समझना अब अपना इंडेस वन जीरो का डिस्कशन शुरू हो रहा है थोड़ा सा एक बार अपन प्लेटफॉर्म पे सभी लोग आ जाएं फिर उसके बाद अपन आगे एक साथ फटाफट तेजी के साथ बढ़ सकते हैं मैंने देखा कि ये जो कंपनी मैंने एक्वायर करी है दोस्तों इस पर्टिकुलर कंपनी में व्हाट आई हैव सीन इज मैंने देखा कि इस कंपनी ने मुझे एक कस्टमर लिस्ट दी है तो डिज्नी ने जब हॉटस्टार को एक्वायर किया और हॉटस्टार एब्जॉर्ब हो गई एक तरह से इसका मतलब दिस इस इज बिकम अ पार्ट ऑफ डिज्नी। चलो तो यहां पे मुझे हॉटस्टार की एक कस्टमर लिस्ट मिल गई तो उन्होंने एक पेन ड्राइव में मुझे ये लिस्ट दे दी पेन ड्राइव की कोई कीमत नहीं है पर कस्टमर लिस्ट की भारी भरकम कीमत है तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हज़ार करोड़ दिए सेवन फिफ्टी करोड़ की नेट आइडेंटिफाइबल एसेट निकाल दिया अपन ने टू फिफ्टी करोड़ अभी भी बचा है अब इसमें क्या आया है मेरे पास तो कस्टमर लिस्ट आई है ये पेन ड्राइव इसकी कोई कीमत नहीं है पर इसके अंतर्गत मैंने देखा कि एक करोड़ कस्टमर्स का डेटा है इसके अंदर डिज्नी कहता है कि यार मैं अगर ये एक करोड़ का डेटा खुद बनाने जाता तो मेरे को सालों लग जाते हैं और इसे एक्वायर करके मैंने ये बना रहे हैं डेटा खरीद लिया ये यू समझ लो दोस्तों कि मैंने एक पौधा खरीदने की बजाय एक पूरा का पूरा कल्टिवेटेड झाड़ ट्री खरीद लिया आई एम सेविंग सो मच ऑन टाइम पर यहां पे दिक्कत यह है कि जो मुझे साथ में कस्टमर लिस्ट मिली है वो टेंजिबल आइटम नहीं है इट्स एन आइटम तो अगर ये इनटेंजल है तो क्या मैं इसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता हूं तो हमारे कई सारे डिस्कशन में जो वन जीरो पॉइंट हम डिस्कस करना है मैं यहां पर अभी नहीं चाहता कि मैं आपको एक ओवरव्यू व्यू दू आई वॉन्ट टू बी स्पेसिफिक थिंग्स फॉर द मोमेंट इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए आपको इंडेस थर्टी एट इंटेंजिबल लगाना पड़ेगा जो क्या कहता है आप इंटेंजिबल असेट अपनी बुक्स में तब रिकॉर्ड करोगे जब वो अपने आप में आइडेंटिफाइबिलिटी की कंडीशन मीट करते हैं किसी असेट को तब इंटेंजिबल असेट माना जाएगा जब वो आइडेंटिफाइबल है और आइडेंटिफाइबल कब माना जाएगा जब या तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा है या फिर आप उसे अलग से बेच सकते हैं यानी सेपरेबल है बिजनेस से अलग किया जा सकता है बिना बिजनेस को बंद किए दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो वो इंटेंजिबल असेट रिकोगनाइज करने के लिए एलिजिबल है बाकी अपन इंटेंजिबल असेट के स्टैंडर्ड में देखेंगे ये जो कस्टमर लिस्ट मुझे मिली है दोस्तों इस कस्टमर लिस्ट में क्या मेरे पास अधिकार है कि मैं इस लिस्ट को बेच सकता हूं तो जब मैंने हॉटस्टार से पूछा कि यार ये कस्टमर लिस्ट एक करोड़ की कस्टमर्स हैं इसमें लिस्ट है उसकी आपने ये लिस्ट कैसे इकट्ठा करी तो उन्होंने बोला भाई जब भी हमारे यहाँ पे कोई कस्टमर क्या करता है डाउनलोड करता है तो उसको डिटेल्स देना पड़ती है उसकी डिटेल्स में हम उसका एड्रेस फोन नंबर उसकी एज जेंडर ये सारी चीजें उससे लेते हैं और उसके अंदर हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अंदर हमने साफ साफ़ लिखा हुआ है कि हम चाहें तो आपका ये डेटा किसी भी और व्यक्ति या किसी भी और एंटिटी को सेल कर सकते हैं टू मेक मनी आउट ऑफ इट ये साफ साफ़ हमने डिस्क्लेमर दिया और उन्होंने कंडीशन एक्सेप्ट किया तो ही हमने उनको हमारे क्या किए फ्री के वीडियोस देखने दिए तो हमारा उनके साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right है ऐसा क्या कि हम ये लिस्ट हमें तो बेच सकते हैं मैंने बोला बहुत बढ़िया किया ये तुमने ये एक करोड़ की कस्टमर लिस्ट में चाहूं तो किसी भी कॉम्पिटेटर या थर्ड पार्टी को सेल करके पैसे बना सकता हूं यानी देखा जाए तो ये सेपरेबल है यानी ये मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है क्या पार्ट नहीं है नहीं 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 सॉरी 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 बिजनेस का पार्ट है लेकिन मैं चाहूं तो बिजनेस से अलग कर सकता हूं क्या मैं चाहता हूं नहीं 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 डिजनी के पास बहुत पैसा है और वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा कि कस्टमर का डेटा बेचेगा रेपुटेशन खराब होगी वो कभी नहीं करना चाहता ऐसा प्लस उसने खरीदा ही इसलिए क्योंकि इसके इतने सारे कस्टमर बेस है वो इन एक करोड़ कस्टमर से क्या करने वाला है अरबों रुपए बनाने वाला है ये बेचना नहीं चाहता वो इंपॉर्टेंट नहीं आप चाहते हो नहीं क्या आप बेच सकते हो वहां बेच सकता हूँ सर मैं तो इसका मतलब आप इस एक करोड़ कस्टमर के आपके डेटाबेस को अलग से इंटेंजिबल इंटैंजेबल बुक कर सकते हो वेदर और नॉट यू वांट टू सेल अगर मैं कहता कि मैं बेच सकता हूं ऐसा तो नहीं है पर मेरा कॉन्ट्रक्चुअल राइट right है इनके ऊपर तो नॉर्मली कस्टमर के ऊपर क्या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right आएगा बेचने वाला ही राइट होगा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट किस तरह का हो सकता है लच्चे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई पर्टिकुलर कंपनी एक्वायर करी और उस कंपनी की कोई लच्चे फॉर एग्जाम्पल कोई एक पेटेंट है जो सरकार के साथ पेटेंट करी गई है और उस पेटेंट के अंतर्गत सरकार ने कहा है कि भैया आप पांच साल तक इस पेटेंट को एक्सक्लूसिवली यूज कर सकते हो पर आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते है. तो ये अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट एक लॉ से क्रिएट हो रही है तो इफ इट इस लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल कहना चाहिए मुझे अगर इफ इट इज अराइजिंग फ्रॉम अ लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट और इफ इट इज सेपरेबल दोनों में से एक कंडीशन सेटिसफाई होती है तो आप एसेट को बुक कर सकते हो अब आप एक चीज समझना दोस्तों अगर ये कस्टमर लिस्ट को मैं सेल कर सकता हूं मैं चाहता हूं या नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा कितने पे रिकॉर्ड करूंगा अलग अच्छे इसकी पचास करोड़ की कीमत है तो मैंने कहा मेरे नेट एसेट सेवन फिफ्टी करोड थे फिफ्टी करोड़ और एड हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया एट हंड्रेड करोड की मेरी नेट आइडेंटिफाइबल एसेट हो गई मैंने पीसी हजार करोड़ दिया यानी दो करोड़ का मेरा गुडविल हो गया लेकिन अगर ये सेपरेबल नहीं होता लेकिन अगर ये कस्टमर लिस्ट इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करने लायक नहीं होती तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करना पड़ता फिर मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाता असेट्स में तो मैं मानता मैंने असेट 750 करोड़ के लिए पीसी थाउजेंड करोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली मेरी गुडविल 250 करोड हो जाती इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि अगर कोई इंटेंजिबल अट अलग से आइडेंटिफाइबल नहीं है इट विल बी सब्सूम्ड इन गुडविल गुडविल बैलेंसिंग फिगर है करोड़ 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 बाकी सारी एसेट बैलेंसिंग फिगर अगर आप इसे पचास करोड़ पे रिकॉर्ड करोगे तो बैलेंसिंग फिगर टू हंड्रेड करोड़ होगा अगर नहीं करोगे तो बैलेंसिंग फिगर टू फिफ्टी करोड़ होगा यानी इंटेंजिबल एसेट अलग से रिकॉर्ड होगी तो वो अपनी बुक्स में इंटेंजिबल के नाम से दिखेगी अदरवाइज वो गुडविल में सब्स्यूम यानी कि मिक्स हो जाएगी ठीक <coughs> है सर ये भी आ गया समझ में चलो तो ये हो गया कि आपने कहा कि इंटेंजिबल इंटेन्जिबल के केस में सेपरेटेबिलिटी और कॉन्ट्रेक्चुअल क्राइटेरिया अगर मीट हो गया वो ट्रांसफरेबल नहीं है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से ये क्रिएट हो रहा है तो आप उसे अलग से इंटेंजिबल अट रिकॉर्ड कर सकते हो और रिकॉर्ड करोगे तो कितने पे रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो अब फॉर एग्जाम्पल इसमें किसी प्रकार की मेरे पास कोई प्रॉब्लम आती है और वो क्या आती है हो सकता है कि मैंने जो कंपनी एक्वायर करी है उस पर्टिकुलर कंपनी में कोई इंटेंजिबल अट अभी रिसर्च फेज में ही है, पूरी बनी ही नहीं है आधी अधूरी है। क्या मतलब सर इसका? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैंने जिस कंपनी को एक्वायर किया है वो अभी कोई रिसर्च कर रही है किसी चीज के ऊपर यानी वो असिट अभी आधी अधूरी बनी हुई है सर हो तो सकता है डिज्नी ने जब हॉटस्टार को एक्वायर किया तो उसने देखा कि हॉटस्टार एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है अपनी ऐप के अंतर्गत जो अभी भी रिसर्च फेज में और ये ऐसा प्लेटफॉर्म बना रही है वो जिसमें कि यूजर के हिसाब से सीरियल चेंज होगा वो ऐसी रिसर्च कर रही है तो होता ये दोस्तों कि जैसे जैसे सीरियल चल रहा है लेट्स से फॉर एग्जांपल सीरियल चल रहा है बालिका वधु टाइप का कसौटी जिंदगी टाइप का और फिर एकदम से एक पोल आती है यूजर के सामने कि क्या लगता है तुमको कोमोनिका इसे घर से बाहर कर देगी और फिर यूजर पोल में येस और नो जैसा डालता है उसके हिसाब से आगे सीरियल चेंज हो जाता है यानी एक ही सीरियल अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जैसा दिखता है डिपेंडिंग ऑन उनकी पोल की चॉइस क्योंकि उनका ये कहना है कि भैया वी वांट टू मेक इट अ मोर पर्सनलाइज एक्सपीरियंस वाई द मूवी शुड बी द सेम फॉर एवरी इट कैन बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर ऐसी रिसर्च कर रहे हैं क्या बात कर रहे हो सर जी हाँ सर ऐसा पॉसिबल है क्या नहीं अभी तो रिसर्च चल रही है तो दोस्तों अगर अभी ये रिसर्च चल रही है तो डेफिनेटली आपको इतना पता होना चाहिए कि इंटेंजिबल एसेट्स का इंडेस 38 क्या था है, कि अगर आप रिसर्च पे कोई भी खर्चा करते हो तो आपको उसे पीआरएल में डालना पड़ता है यू कैन नॉट कैपिटलाइज इट एक्सक्यूज मी और इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि अभी उस स्टार हॉटस्टार की बुक्स में ये असेट नहीं आ रहा है पर क्या हो सकता है कि उसने इस पर्टिकुलर रिसर्च पे काफी एडवांस स्टेज तक आगे बढ़ चुकी है काफी पॉसिबल है ऐसा और अगर वो इसमें काफी एडवांस स्टेज तक जा चुकी है तो डिज्नी जब उसे एक्वायर करेगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये रिसर्च अपने आप में क्या होगी दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वो बोलेगा यार आई विल इवेल्यूएट दिस मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है भले ही आज देखा जाए तो इस रिसर्च को क्या एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं पता नहीं बट हो सकता है आगे जाके ही एग्जीक्यूट हो जाए और हो जाए तो हम इसको यूज कर सकते हैं तो हमारा ये ये मानना है कि यार इस रिसर्च की में पचास करोड़ देने को तैयार बिल्कुल कैसा हो गया तो टेस्ला स्पेस के अंतर्गत उन्होंने कई सारे रिसर्च प्रोजेक्ट खोल रखे मार्स पे जाने के जुपिटर पे जाने के सब जगह जाने के आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट उनके अभी क्या है सब रिसर्च फेज में जिसमें नहीं है कि डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा बट क्या जेफ बेजोस जब टेस्ला को एक्वायर करेंगे तो उस रिसर्च की भी कोई कीमत देने को तैयार हो जाएंगे हाँ तो इंडेस कहता है कि वेन यू एक्वायर कंपनी एक इफ इट इज हैविंग एनी इन प्रोग्रेस रिसर्च क्या मतलब इन प्रोग्रेस रिसर्च अभी बनानी है इसका मतलब आप ये समझ लीजिए दोस्तों तो इन प्रोग्रेस रिसर्च का मतलब क्या है ये समझ लो मैं कुछ जो मिल गया घर पे ले आया मैं ये मेरी अभी क्या है आधी अधूरी रिसर्च है ये देखो ये मेरा बेल्ट अभी रेडी नहीं हुआ है आई एम जस्ट मेकिंग समथिंग वेर इन आई कैन यूज इट एज एन ए बट ये आधा अधूरा है ये रिसर्च फेज में अभी आधा अधूरा है ये इनकम्प्लीट पर मेरे लिए इसकी भी कीमत है हालांकि बनाने वाले ने इसको खर्चा बुक किया है पर मैं इसे अपनी वैल्यू दे सकता हूं मैंने इसको फिफ्टी करोड़ पर वैल्यू किया तो वो विल से पचास करोड़ रुपए से मैं और अपनी बुक्स में असेट बढ़ा दूंगा इसका नाम होगा इन प्रोग्रेस रिसर्च असेट अब जब मैंने हॉटस्टार को एक्वायर किया तो वो ये जो रिसर्च कर रही थी इस रिसर्च के आधार पर इस रिसर्च के आधार पे अब इसी बातें रिसर्च को आगे बढ़ाया जाएगा तो जब वो मेरी कंपनी बन गई तो उसने उसके ऊपर और रिसर्च करना शुरू करी है उसमें और खर्चा करना शुरू किया है ये खर्चा पीआरएल में जाएगा और जिस दिन वो डेवलप हो जाएगा क्या मतलब डेवलप हो गया यानी उसने प्रूव कर दिया कि भैया ऐसा पॉसिबल है ऐसा किया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है तो हमें करना कुछ भी नहीं होगा उन्होंने एक पूरा लॉजिक क्रिएट कर दिया है कि भैया हमें सीरियल की अलग अलग क्या करना पड़ेंगे एक सीरियल को ही सौ अलग अलग तरीके से बना के रिकॉर्ड करना पड़ेगा और जैसे जैसे यूजर क्या करेगा सिलेक्शन देगा वैसे वैसे आगे के वीडियोज उसके चेंज होते जाएंगे हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी तरह से ये प्रूव कर दिया और अब इस लॉजिक पे हम सीरियल बनाना शुरू करेंगे तो आज के बाद से जो डेवलपमेंट का खर्चा होगा दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी कैपिटलाइज तो फटाक से समझ लीजिए अगर आपने कोई बिजनेस एक्वायर किया है तो आप सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को किस पे लेके आते हैं फेयर वैल्यू पे लेके आते हैं यह नॉर्मल नियम थ्री में ये आज का अपना पहला एक्सेप्शन है और ये एक्सेप्शन के अंतर्गत हम क्या कह रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन वी आर डिस्कसिंग इज नॉर्मल रूल इज ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर एट फेयर वैल्यूज द फर्स्ट एक्सेप्शन इज इनफैक्ट नॉर्मल रूल क्या होता है सारी एसेट लाइबिलिटी फेयर वैल्यू पे आएंगी और वो तभी रिकॉर्ड होंगी जब उसे आप किसी इंडेक्स के अनुसार रिकॉर्ड कर सकते हो पर ये इसका पहला एक्सेप्शन है कि एक ऐसा असेट जो आधा अधूरा है रिसर्च फेज में उसे भी आप ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट नहीं है ये रिसर्च फेज में आधा अधूरा है इसे फिर भी भले ही ये रिसर्च फेज में फिर भी आप क्या कर सकते हो इसको एक वैल्यू देकर रिकॉर्ड कर सकते हो एक्वायर करने के बाद इस पर जो खर्चा होगा वो प्यर एज में जाएगा लेकिन जिस दिन ये डेवलपमेंट फेज पे आ जाएगा उसके बाद वापस से इसमें खर्चा कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगा तो ये मेरा इंटेंजिबल अट का एक पहला एक्सेप्शन हो गया क्या एक्सेप्शन हो गया दोस्तों की इन प्रोग्रेस रिसर्च असेट को भी बुक्स में असेट दिखाया जा सकता है चलिए कोई पूछ रहा है भाई ऐप कहां से डाउनलोड करनी है अभी चिंता मत करिए ऐप आप आप, 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 आपको बाद में दे दी जाएगी लिंक आप यहां पे अभी ये लेक्चर देखिए ये लेक्चर यहां पर रहे अभी के लिए चलिए अब आप समझ लीजिए ये हमारा एक एक्सेप्शन हो गया अब इसके अंतर्गत और इश्यूज आ सकते हैं मुझे एक बात बताओ अगर मैं कहता हूं कि मैंने हॉटस्टार को एक्वायर किया तो हॉटस्टार के अंतर्गत बहुत सारे उसके एम्प्लॉयज होंगे क्या वो एम्प्लॉयज भी मेरे पास आएंगे मॉरल लेस आना चाहिए पर क्या मेरा उस एम्प्लॉयज के ऊपर किसी प्रकार का कोई राइट है शायद नहीं है और अगर आपको एम्प्लॉइज के ऊपर कोई राइट नहीं है तो एक सवाल ये उठता है कि क्या अपनी बुक्स में आप उसे इंटेंजिबल अट रिकॉर्ड कर पाओगे इंडेस थर्टी एट नहीं करने देगा आपको एम्प्लॉय के ऊपर जब तक आपका कोई कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट नहीं होगा टप्पा टाइप का तो आप नहीं कर सकते तो मैंने बोला चलो ठीक है पर मैं चाहूंगा कि उसकी कंपनी के एम्प्लॉय क्या करें मेरे साथ आगे कंटिन्यू करें तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने इनके एक स्टार एम्प्लॉय को बोला ओके ये भी लाया हूं मैं एकदम तैयारी के साथ आया हूं दोस्तों ये देखिए अगर आपको दिख रहा है ये कौन है ये ये क्या है ये हॉट स्टार के स्टार एम्प्लॉई और कंपनी के डायरेक्टर ये और लग से फॉर एग्जांपल हमारी इनके साथ डीलिंग हुई है जब हमने कंपनी को खरीदा तो हमने इनके डायरेक्टर को कहा है कि भैया आपको कंपलसरली अगले तीन साल तक हमारी कंपनी में काम करना पड़ेगा ये कंडीशन डाली गई थी हॉट स्टार के ऊपर और कहा गया था कि ये कंडीशन पूरी होगी तो ही हम कंपनी एक्वायर करेंगे इन डायरेक्टर साहब से बात करी और इनसे पूछा गया कि क्यों भाई स्टार डायरेक्टर हमारी कंपनी बेच पाएंगे हम तभी डिज्नी को जब आप तीन साल तक काम करने को तैयार हो इन्होंने बोला हमें क्या दिक्कत है भैया हम तो काम में ढूंढ रहे हैं हमें तो काम करने को चाहिए कोई दिक्कत तो डिज्नी ने कहा बाकी आप चिंता मत करें आपको पैसे पूरे दिए जाएंगे यू डोंट वरी अबाउट इट वी विल पे यू तो हमें कहा गया कि भैया आपको दस करोड़ रुपए साल के क्या बात कर रहे हो सर अरे एकदम काल्पनिक एग्जाम्पल दस करोड़ रुपए साल के दिए जाएंगे तब मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि पीसी क्या माना जाएगा थाउजेंड करोड़ मैंने कंपनी के शेयर होल्डर को दिए हैं कंपनी एक्वायर कर लिया है प्लस मैंने प्रॉमिस किया है कि आई एम गोइंग टू टू पे करोड़ दिस पर्टिकुलर गाय इन द नेक्स्ट थ्री इय टेन करोड़ एवरी ईयर विल दिस बी समथिंग विच विल बी एडेड टू पी तो अब इसके साथ में अपन आते हैं दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंतर्गत एंड दिस इज बेसिकली सेपरेट ट्रांजैक्शंस इंडिया कहता है कि ऐसा हो सकता है दोस्तों कि जब आपने बिजनेस एक्विजिशन किया हो तो बिजनेस एक्विजिशन के साथ साथ ही आपने पीसी के साथ साथ कुछ और पैसे देने की बात करी अपन ने पहले पढ़ा था पीसी में अपन क्या दे सकते हैं तो वी कैन गिव स कैश वी कैन गिव इक्विटी शेयर्स वी कैन गिव कंटेंट कंसिडरेशन देर कैन बी मी डेफ नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ टॉकिंगरे और कॉन्ट्रैक्ट वर आई एम सेइंग वन ऑफ द विल हैव टू स्टे बैक विद माय कंपनी फॉर सम मोर इयर्स अगेंस्ट व्हिच आई विल पे हिम 30 करोड रुपीस इन द नेक्स्ट 3 इयर्स विल दिस बी एडेड टू पीसी I please understand. It is possible that in a business combination transaction, you may enter into some other transactions as well along with it. If you have done any other transactions along with the business combination transaction, those other transactions should be segregated from the business combination, which essentially means that here your PC is thousand crore rupees plus. Apart from thousand crore rupees, if you have promised to pay thirty crore rupees to this particular guy, this is not for acquisition of company. This is rather for his future services. This is to be treated as a separate transaction and not a part of business combination. इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि आपको यह देखना है कि आपके पीसी में कहीं आप ऐसी कोई कॉस्ट ना जोड़ दो जो आगे के ट्रांजैक्शन की या एक अलग ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है तो ऐसे क्या ट्रांजेक्शन की कॉस्ट हो सकती है जो आमतौर पर बिजनेस एक्विजिशन पे लगती है पर बिजनेस एक्विजिशन का पार्ट नहीं होती है बहुत बढ़िया इस डिस्कशन को दोस्तों अब यहां पे अपन कवर कर रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा दिस इज इंपॉर्टेंट बी अ पॉसिबिलिटी दैट वाइल और अलॉन्ग विद बिजनेस कॉम्बिनेशन यू हैव एंटर्ड इन टू अदर ट्रांजेक्शन विच आर नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन बट हैंग विच ये उसका पार्ट नहीं है लेकिन उसके साथ किए गए तो आप इसको और इनको क्या करें अलग अलग से रिकॉर्ड कर ले नॉर्मली <coughs> इन ट्रांजेक्शन को तीन पार्ट में बांटा जा सकता है एक जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया दैट कुड बी कॉन्ट्रैक्ट टू रेम्यूनरेट फॉर फ्यूचर सर्विस इंडिया कहता है इसे आप हटा दीजिए इसको आप आगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के नाम से अकाउंट फॉर करना हाँ सपोज मैं यह कहता कि यार इस व्यक्ति की नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो इन व्यक्ति को हम दस करोड़ रुपए तीन साल तक देने के लिए कह रहे हैं पर इनकी इतनी वर्थ नहीं है

तो अब ये कैसे डिसाइड होगा सर कि आपने तो इतनी आसानी से बोल दिया कि आधा आधा कर लो ये डिसाइड कैसे होगा तो इंडियज इस बारे में कहता है बोलता है बोलता आप एक काम करो अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम आएंगे सोचने समझने में कि क्या ये ट्रांजेक्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट है या सेपरेट है आप सबसे पहले ये देखो हु इनिशिएटेड द ट्रांजेक्शन अगर ये रिक्वेस्ट एक्वायरर के द्वारा आ रही है तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये फ्यूचर सर्विसेज से रिलेटेड हो पर एक्वायरी अगर ये डिमांड कर रहा है तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट हो क्योंकि देखो अगर मैं बोल रहा हूं नहीं, इनको कंटिन्यू करना है यानी मैं चाहता हूं आगे मेरे बिजनेस में बढ़िया रहे इसलिए मैं क्या कर रहा हूं इनको पैसे दे रहा हूं तो ये मेरी गरज है यानी फ्यूचर बिजनेस चलाने की गरवायर आगे चलाएगा पर सपोज बेचने वाला बोलता है कि भैया देखो आपको वन थाउजेंड करोड़ के अलावा हमारे इन डायरेक्टर को दस करोड़ तीन साल तक देना ही है आपको रखना है रखो नहीं रखना है मत पर इनको इतने तो देना ही पड़ेंगे इनकी लॉन्ग सर्विस अवार्ड का इतना कंपनसेशन तो बनता ही बनता है तो इसका मतलब क्या है ये एक तरह से बेचने वाला क्या कर रहा है शर्त रख रहा है कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे तो ही मैं बिजनेस बेचूंगा तो ये किसका पार्ट होगा दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ पीसी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हेलो

Normally, जब आपने कंपनी सेल करी है उसके निगोसिएशन के साथ साथ जो चीजें आपने डिस्कस की होंगी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि ट्रांजेक्शन विच आर डन फॉर निगोसिएशन ऑफ़ बिजनेस कॉम्पिटिशन फॉर फ्यूचर बेनिफिट ऑफ द कंबाइंड एंटिटी वो सेपरेट ट्रांजेक्शन होंगे आगे के लिए अगर आप कुछ कमिट कर रहे हो या बात कर रहे हो तो वो फ्यूचर होंगे इन सब बेसिस पे आप देख सकते हो एंड एम्प्लॉय uh, की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो कुछ इंडिकेटर्स इन डेज में दिए हुए हैं अगर इफ कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको थेटिकली एक्सप्लेन करना होगा तो यू हैव टू मेंशन दीज इंडिकेटर्स जैसे कि क्या आप किसी को पैसे देने के लिए बोल रहे हो कंटिन्यूंग एम्प्लॉयमेंट रखना पड़ेगा कितने समय तक उसको रख रहे हो आप ऐसा है क्या लंबे समय की कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली जो पैसे दे रहे हो वो फ्यूचर सर्विस के लिए होंगे कितना दे रहे हो मार्केट रेट जितना दे रहे हो या ज्यादा दे रहे हो इंक्रीमेंटल पेमेंट कितना है पहले जितना मिल रहा था अगर उतना ही है तो मान लीजिए पूरा फ्यूचर सर्विस के लिए ज्यादा दे रहे हो नॉमिनल ज्यादा है मार्केट रेट से तो मान लीजिए फ्यूचर सर्विस है पर बहुत ज्यादा है तो शायद उसका कुछ पार्ट पीसी से रिलेटेड होगा इन सब तरह की चीजों से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो ट्रांजैक्शन क्या पीसी के अंदर ऐड करके टोटल गुडविल निकालने में शामिल करें या उसको फ्यूचर की सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट मान के फ्यूचर में एक्सपेंस बुक करें आई होप ये समझ में आया आपको तो अपना डिस्कशन क्या चल रहा है कि जब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हो तो हो सकता है कि आप एक साथ कई सारे पैसे देने की बात कर रहे हो उसमें से किसको पीसी में शामिल करेंगे और किसको पीसी में शामिल नहीं करेंगे इस पूरे डिस्कशन में ये पहला डिस्कशन अभी अपना कम्प्लीट हुआ है जिसमें एम्प्लॉइज के साथ मैं कुछ बात कर रहा हूं कि भैया एम्प्लॉय को मैं कुछ पैसे दे रहा हूं अब इसमें एक दूसरा इशू क्या आ सकता है द अदर इशू कुड बी विद रिस्पेक्ट टू ये तो डायरेक्टर की बात हो गई ऐसे ही कंपनी के कई सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं अब अगर मेरे कंपनी के कई सारे एम्प्लॉज हैं जिसको हो सकता है कि उस कंपनी ने पहले से कुछ ईशॉप दे रखे हो अब मैं उस कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं तो उन ई का क्या होगा मतलब मेरा आपसे यह पूछने का है कि डिज्नी हॉटस्टार कंपनी इवन एक्वायर्ड हॉटस्टार टाइट सेवरल एम्प्लॉज विच वेडी इंटाइटल्ड टू सम बेनिफिट अंडर सम ईस ऑफ स्कीम तो उनके सौ एम्प्लॉय को कंपनी ने कहा था कि हम आपको चार साल काम करने पर एक शेयर देंगे हर एम्प्लॉय को और वो एक शेयर हम आपको इश्यू करेंगे जस्ट टू कीप थिंग सिंपल फेस वैल्यू दस रुपए पे और उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू पचास रुपए थी अब ये अपने आप में एक दूसरा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं शेयर बेस पेमेंट रिलेटेड एडजस्टमेंट है या ई रिलेटेड है वॉट वी विल डू इज आई जस्ट ओपन दिंग इन द बोर्ड नोट वी कैन बेसिकली रेफर इड फ्रॉम देयर चलिए तो ये एक एग्जाम्पल लेते क्वेश्चन में कह रहा हूं मैं कि कंपनी ने ईसोप जिसकी तीन साल के वेस्टिंग पीरियड के लिए किसको इश्यू कर रखे अपने एंप्लॉज को इशू कर रखे थे टारगेट कंपनी मैंने जो एग्जाम्पल लिया वहां पे अगर ये लिखूं लिखू टाइम सेइंग कि हॉटस्टार ने दस रुपए की एक्सरसाइज प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू शेयर की उस दिन पचास रुपए थी और लेट्स से दिस इन एटीन, फेयर वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इंटेंसिक वैल्यू ले लेता हूं चालीस रुपए थी और चार साल का वेस्टिंग पीरियड रखा था और कहा था कि भैया हम आपको ये शेयर्स देंगे किसने हॉटस्टार ने किसको अपने एम्प्लॉयज को तो एज पर इंडेज वन जीरो टू जो हिसाब की फेयर वैल्यू है फोर्टी रुपीज इसे एस एल एम बेसिस पे चार सालों में दस दस रुपए करके खर्चा बुक करेगा ऑन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट चलो मैं थोड़ा अलग से ही लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन नहीं आया एक्सरसाइज प्राइस टेन पर शेयर फेयर मार्केट वैल्यू फिफ्टी पर शेयर फेयर वैल्यू ऑफ ईसॉप ऑन ग्रांड डेट जिस दिन ये ईसोप दिए गए थे इंट्रेंसिक वैल्यू के बराबर ले लिए फोर्टी पर शेयर और ये ईसोप दिए थे एम्प्लॉय को मैंने वन फोर एटीन पे और टोटल वेस्टिंग पीरियड मैंने एम्प्लॉ को बोला था चार साल काम करोगे तो मिलेगा अब इस दौरान डिज्नी ने वन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी को एक्वायर कर लिया एब्जॉर्ब हॉटस्टार हो सकता है एब्जॉर्ब करने की बजाय शेयर एक्वायर किया अभी मैं एब्जॉर्बन का एग्जाम्पल लेता तो सवाल उठा कि भाई मेरे एम्प्लॉयज के पास जो हिसाब है उसका क्या होगा अगर मैं एम्प्लॉ को बोलता हूँ भैया तुम जाओ डिजनी से मांगो तो हो सकता है कि एम्प्लॉ कंटिन्यू ना करें सॉरी हॉटस्टार से मांगो कंटिन्यू ना करें तो मैंने बुलाया कि अरे आप चिंता मत करो आपके पुराने शॉप आगे कंटिन्यू रहेंगे और अब हम आपको बदले में लेट्स से फॉर एग्जांपल डिज्नी के शेयर्स आपको इस के फॉर्म में देंगे अब आपको मैं यह कहता हूं कि थर्टी मार्च 2020 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारे शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू लेट्स से बढ़ के नाइन्टी रुपीज हो गई थी नब्बे रुपये हो गई थी पर इंडेस वन जीरो टू आपको पता होना चाहिए वो कहता है कि जिस दिन आपने कंपनी के एम्प्लॉ को हिसाब ग्रांड करने की बात दी उस दिन जो फेयर वैल्यू है उसी को खर्चा बुक करते हैं बाद में मार्केट वैल्यू चेंज इग्नोर होता है इसका मतलब हॉटस्टार ने इन दो सालों में विच इज एटीन नाइनटीन और नाइनटीन ट्वेंटी में दस दस रुपए का खर्चा बुक किया है इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वैल्यू हिसाब की बढ़ गई है आज फेयर मार्केट वैल्यू नब्बे रुपए है अब मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दो कि अगर डिज्नी कहता है हॉटस्टार एम्प्लॉज तुम्हारे ईसॉप कैंसल और उसके बदले में अब मैं तुम्हें दूंगा डिज्नी के ईसॉप तो एम्प्लॉ कितने की वर्थ के ईसॉप एक्सपेक्ट करेगा जो आज से दो साल बाद वेस्ट हूं नाइनटी रुपीज माइनस टेन रुपीज एक्सरसाइज प्राइस एट्टी रुपीज के ना की फोर्टी रुपीज के यानी अगर मैं आज फेयर वैल्यू ऑफ हिसॉप निकालता हूं तो लेट से वो एट्टी पर शेयर आ जाती है मैं ज्यूम कर रहा हूं फेयर वैल्यू ऑफ हिसाब से इंटेंसिक वैल्यून जीरो तो एम्प्लॉ बोलेगा कि भैया आज अगर ये हिसाब की कीमत देखें तो अस्सी रुपए दो साल और काम करने पे अगर शेयर की प्राइस आगे नहीं भी बढ़ी तो हमें अस्सी का फायदा एक शेयर पे दिख रहा है तो हमें तो अस्सी रुपए के बराबर का हिसाब चाहिए अब डिज्नी ने बोला अरे बेटा चिंता मत करो हम तुम्हें जो ईसॉप दे रहे हैं ना हम तुम्हारे ईसॉप को और बेहतर कर रहे हैं तो डिज्नी ने हॉटस्टार को किया और उसने जो ईसॉप यहां पर ग्रांड किए उन की फेयर वैल्यू ईसॉप की शेयर की नहीं ईसॉप की फेयर वैल्यू लेट्स एग्जांपल इससे कहीं ज्यादा इसे वन फिफ्टी रुपीज पर शेयर और उसका वेस्टिंग पीरियड टू ईयर का ही है तो इस केस में मुझे इतनी सी बस बात बताओ कि ये जो डिज्नी एक सौ रुपए पर शेयर एम्प्लॉ को देने को तैयार है आज नहीं आज से दो साल बाद कैश में नहीं इन द फॉर्म ऑफ इट्स ओन शेयर इसमें से कितना मुझे एम्प्लॉयी को उनकी प्री एक्विजिशन पीरियड ऑफ सर्विस के लिए देना पड़ रहा है और कितना एम्प्लॉय को उसकी पोस्ट एक्विजिशन पीरियड ऑफ सर्विस के लिए देना पड़ रहा है तो मैं कहूंगा कि मुझे प्री एक्विजिशन पीरियड ऑफ सर्विस के लिए एम्प्लॉय को सिर्फ इतना देने की जरूरत थी विच इज फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल एग्जिस्टिंग ईसॉप स्कीम बट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड नॉट द ग्रांटेड इंटू द वेस्टिंग पीरियड विच द एम्प्लॉफ कंप्लीटेड क्योंकि इतने सालों की सर्विस वो दे चुके हैं तो वो एंटाइटल्ड है इतने के लिए डिवाइड किससे किया मैंने टोटल वेस्टिंग पीरियड कौन सा वाला वेस्टिंग पीरियड लेट्स टोटल ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड इतने की वर्थ मुझे देना थी अगर आज मुझे कंपनी एक्वायर करनी है तो इंडेस कहता है कि ये जो फोर्टी रुपीज आप दे रहे हो यह आपका पीसी में एड होगा क्योंकि अगर आपको कंपनी एक्वायर करनी है तो उस कंपनी के साथ साथ आपको उसकी लाइबिलिटी भी लेनी है और इक्विटी भी लेनी है एक तरह से ही सब इज एन ऑप्शन ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल तो वो इक्विटी का पार्ट है आपको पैसे देना पड़ेंगे उसके और अगर आपको पैसे देना पड़ेंगे तो इसका मतलब ही आपके पीसी में ऐड होगा पर सर हम तो नब्बे सॉरी हम तो वन फिफ्टी की वर्थ की उसको फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दे रहे हैं तो फिर इसके इसमें स्टैंडर्ड कहता है कि आप दे रहे हो वन फिफ्टी देना था आपको फोर्टी आप दे रहे हो ज़्यादा नाइन हंड्रेड एंड टेन इस हंड्रेड एंड टेन को आप रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में एंप्लॉ बेनिफिट एक्सपेंस के नाम से बुक करेंगे ये आपका फ्यूचर का खर्चा है ये लॉजिक है इसका सपोज इसमें डिज्नी ये कहता कि अरे सुनो दोस्तों और मजे करो हम तुम्हारा वेस्टिंग पीरियड कम करके एक साल कर देते तो और मजे करो एक तो तुम्हारे को ऑप्शन जो दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू बहुत ज्यादा है तुम्हारे वाले की आज हट्टी थी हम वन फिफ्टी की दे रहे हैं और वेस्टिंग पीरियड भी अब एक ही साल है एक ही साल और रुकना है फिर छोड़ भी दोगे तो भी मिल जाएगा इम्लाइन बोला ये हमारा मालिक कैसा हो डिजनी भैया जैसा तब इस केस में, में मेरा सवाल है कि आपका प्री कॉम्बिनेशन पीरियड ऑफ सर्विस से रिलेटेड कॉस्ट कितना है क्या मैं यहाँ पे टू डिवाइड बाय थ्री कर दू इंस्टेड ऑफ फोर क्यों क्योंकि वेस्टिंग पीरियड ऑफ थ्री हो चुका है नहीं 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 भैया जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें चार साल में एम्प्लॉई को रोकता और आज की फेयर वैल्यू के हिसाब से उसको मुझे कितने फायदा पहुंचाना पड़ता अस्सी रुपए का फायदा पहुंचाना पड़ता तो अस्सी रुपए का फायदा चार साल उसको रोक के मैं उसे पहुंचाऊंगा तो वो खुश है इसका मतलब प्री कॉम्बिनेशन पीरियड की कॉस्ट मेरी अभी भी टू बाई फोर है तो इसके लिए बोलते हैं टोटल वेस्टिंग पीरियड ओरिजिनल और टोटल वेस्टिंग पीरियड रिवाइस्ड विच एवर इज ग्रेटर दोनों में जो ज्यादा है वो ले लो तो इस केस में आपका टोटल वेस्टिंग पीरियड पहले कितना था इट वॉज फोर ईयर्स अभी कितना हो गया है थ्री ईयर ज्यादा क्या है चार तो आप चाल ले लो सपोज वो बोलता है कि भाई मैं तुमको तीन साल बाद ही दूंगा तो फिर हम बोलेंगे कि भैया अभी तक एम्प्लॉई ने दो साल काम किया और आप तीन साल और रुक के हम दे रहे हो यानी आपको इफेक्टिवली कॉस्ट कम पड़ रही है तो फिर अपन टू बाय फाइव करेंगे तो इसके बेसिस पे फॉर्मूला क्या बन गया इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ड्रोन चार्ट सफिशियंट फॉर ऑल दीज थिंग्स बेनिफिट एक्सपेंस के लिए आपको इनफैक्ट ड्रोन चार्ट बोल दिया मैंने क्षमा करें ब्रह्मास्त्र देखते हैं ईसॉप e अगर रिप्लेस किए गए इसको रिप्लेसमेंट रिवॉर्ड बोलते हैं क्योंकि ने कर को तो उसने रिप्लेस कर दिया तो आपको कॉस्ट को अलोकेट करना है प्री कॉम्बिनेशन और पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड में पोस्ट कॉम्बिनेशन हमेशा बैलेंसिंग फिगर होगा प्री कॉम्बिनेशन आपकी जो एक्वायरी एक्वायरी का मतलब क्या होता है जो कंपनी बिक रही है मेरे केस में हॉटस्टार हॉटस्टार के आपके जो रिवॉर्ड थे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वो डेट ऑफ एक्विजिशन के मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू इनटू कितना वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो चुका है मेरे एग्जांपल में दो साल अपॉन टोटल वेस्टिंग पीरियड ऑफ द न्यू स्कीम मेरे एग्जांपल में तीन साल और ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड ऑफ द एक्वाइरी मेरे एग्जांपल में चार साल टू मार्केट वैल्यू डेट ऑफ एक्विजिशन की देखना है अपने को विच इन माई एग्जाम्पल इज एटी तो एटी इंटू टू बाई फोर यानी फोर्टी इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन पर अब टोटल फेयर वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 150 आ रही है तो आप डिफरेंस जो है उसे रेमउंडेशन मान लो तो आपका आज हो फोर्टी तो आपका कितना बच गया एक ये एक रुपए आपका बैलेंसिंग फिगर क्या होगा दिस इज योर पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड एक्सपेंस एक साल रोकोगे एम्प्लॉय को एक साल में बुक कर देना दो साल रोकोगे दो साल में बुक कर देना इसके ऊपर वन आज के बाद से लगेगा एक नंबर इस तरह से हमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का इंपैक्ट समझना है इसका अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होगा तो आपने जो भी पीसी पे किया है हॉटस्टार को मैंने हजार करोड़ दिए थे प्लस मैंने एम्प्लॉय को ही सब दिया तो मैं कहूंगा कि नहीं सब समय से मेरी पोस्ट प्री कॉम्बिनेशन पीरियड की सर्विस कितनी है मैंने कैलकुलेट की तो फोर्टी करोड़ आइए तो ये 40 करोड्स की एंट्री क्या होगी जब मैं जर्नल एंट्री से सोचूंगा तो मेरा पीसी बढ़ जाएगा बिजनेस परचेज बढ़ जाएगी तो इससे इफेक्टिवली मेरी गुडविल बढ़ जाएगी जो मैंने पे करी है उसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा दूसरा इफेक्ट होएगा एनसीआई बढ़ जाएगी एक तरह से क्यों एनसीआई बढ़ रही है क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको क्या करना है यू हैव टू गिव शेयर्स अब इसमें एक चीज समझना यहां पर टेक्निकली स्पीकिंग डिजनी अपने खुद के शेयर्स दे रहा है तो डिजनी अपने शेयर दे रहा है तो ये एनसीआई नहीं है एनसीआई कब होती है जब मैं उस सब्सिडरी को एब्जॉर्ब नहीं करता मैं उसके शेयर खरीदा तो मैंने शेयर नहीं खरीदी कंपनी मर्ज कर दी है तो मैं उसे अपनी बुक्स में क्या करूंगा शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में दिखा दूंगा एस पर वन जीरो टू तो मेरी बुक्स में अकाउंटिंग होगी एक तरफ पीसी बढ़ जाएगा बिजनेस परचेस बढ़ेगी गुडविल डेबिट हो जाएगी बढ़ जाएगी उत्ते से टू क्या हो जाएगा शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व एस पर एंड एस जीरो टू जिसका आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए अदरवाइज फिर शेयर बेस्ड पेमेंट को रिवाइज करेंगे तब देखना नेशन डिस्कशन जब अपन एक, करेंगे, उसमें ये सारी में एक साथ करा दूंगा एक, एक के सबके लूंगा ये कर रहे हैं एक बार सबके देख लेंगे, एक में ही सारी कवर कर लेंगे। ये कौन सा केस हो गया जहां पे मैंने इस कंपनी को एब्सॉर्व कर लिया था लेकिन अगर मैंने इस कंपनी को एब्सार्व नहीं किया होता और मैंने बोला होता भैया तू अपनी अपनी अलग कंपनी चलाते रहे कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो ऐसी में फिर क्या होगा तो ये एक अलग कंपनी चल रही है अभी और डिजनी अपनी अलग चल रही है हॉटस्टार अपनी अलग चल रही है इनके एम्प्लॉयज के पास हिसॉप्स के ऑप्शन थे अब मैं क्या कर सकता हूं हो सकता है कि मैं बोलूं जो तुम्हारे हिसॉप चल रहे हैं चलने तो कोई दिक्कत नहीं अगर आप ऐसा कर रहे हो कि इसके जैसे हिसॉब चल रहे चलने तो कोई दिक्कत नहीं है तो फिर उस केस में आपको एक चीज समझना है कि वहां पर हुआ ही होगा कि उन हिसॉब्स को आपको फेयर वैल्यू पे मेजर करना पड़ेगा तो डेट ऑफ एक्विजिशन में मैंने बोला यार ये जो शेयर इनको देने वाले हैं ना इनकी अस्सी रुपये फेयर वैल्यू है और एम्प्लॉय दो साल काम कर चुका है दो साल और काम करेगा तो पैसे मिलेंगे तो फिर आपको मानना पड़ेगा चालीस मेरी पी की कॉस्ट है अब यहाँ पे हुआ ये है कि मैंने इसके शेयर एक्वायर किए हैं इसको पैसे तो कुछ दिए नहीं है कंपनी मेरे जू नहीं है तो मैं अपनी बुक्स में एंट्री क्या करूँगा तो फिर स्टैंडर्ड यहाँ पे कहता है कि आप ये मान लीजिए कि ये जो हिसाब आपने इनको प्रॉमिस किया है फोर्टी का देने का इससे आपका पीसी बढ़ गया पर यह पैसे तो अपने को देना नहीं है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन क्या करेंगे अपन ये बोलेंगे कि इतने शेयर ये कंपनी अपने एम्प्लॉय को इशू करेगी तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इससे क्या होगा आगे जाके नंबर ऑफ अदर शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब ये एनसीआई का पार्ट है तो यहाँ पे इसको अपने को क्या करना पड़ेगा अपन यहाँ पे इसकी एनसीआई बढ़ा देंगे इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द पीसी आपको मालूम है दोस्तों जब भी कंसोलिडेशन करते हैं तो गुडविल कैसे निकाली जाती है अपन ने जो पीसी पे किया है वो प्लस एनसीआई को माइनस करते हैं नेट आइडेंटिफाइबल मैंने इसके हंड्रेड इक्विटी शेयर एक्वायर कर लिया हजार करोड़ पर ये जो एम्प्लॉई है इनको मैंने कंटिन्यू रखा और इन एम्प्लॉय की फेयर वैल्यू कितनी थी तो इसकी ESOP की की स्कीम फेयर वैल्यू 80 करोड़ थी पर अभी दो साल हो चुके हैं तो ये दो साल की कीमत कितनी निकली 40 करोड़ तो मुझे एनसीआई 40 करोड़ पे मेजर करना होगी तो मैं मालूंगा कि मेरी टोटल कॉस्ट हजार करोड़ मैंने पीसी दिया इसके हंड्रेड शेयर एक्वायर करने के लिए प्लस फोर्टी करोड़ के एम्प्लॉयज की एनसीआई बुक हो जाएगी तो टोटल पीसी प्लस एनसीआई वन जीरो फोर जीरो करोड़ हो जाएगा एनसीआई फोर्टी से बढ़ जाएगी ये एनसीआई क्या रिप्रेजेंट कर रही है दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन ऑप्शन ऑन शेयर कैपिटल विच इजर विद्लॉय आगे जो मेरा खर्चा आएगा फोर्टी करोड का उसे मैं क्या करूंगा एज पर वन जीरो टू खर्चा बुक कर दूंगा शेयर बेस पेमेंट के हिसाब से किसकी बुक्स में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हालांकि देखेंगे तो ये ओरिजिनल फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहा होगा हॉट को वो क्या ओरिजिनल फेयर वैल्यू थी मेरे एग्जाम्पल में अगर आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं के साथ सुन पा रहे हैं तो मैंने क्या बोला था ओरिजिनल फेयर वैल्यू इसकी 40 थी तो इसके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ये 40 यानी 10 फॉर फोर इयर्स खर्चा बुक करेगा लेकिन कंसोलिडेटेड में जब मैं इसे एक्वायर करूंगा तो मैं एनसीआई को कितने से ऐड करूंगा तो वहां पे 80 हो चुका था और दो साल पूरे हो चुके हैं तो टू बा और आने वाले दो सालों में और खर्चा कितना तो ये मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल में दोनों लॉजिक समझा दिए अगर इसे क्या बोलते हैं वेन यू आर रिप्लेसिंग द रिवॉर्ड विद यू डू वेन यू डू नॉट रिप्लेस द रिवॉर्ड एंड कंटिन्यू विद द सेम रिवॉर्ड ऐसा सिर्फ किस में हो सकता है कंसोलिडेशन में देन डू यू अब आप इसके यहाँ पे देखिए वॉट इट इज सेंगे तो क्विटीजन ढेर सारे ले सकता हूँ to on तो इक्विटीज एटल चेयर बेस्ट पेमेंट के अंतर्गत हुआ यह है कि मैंने के एम्प्लाइज को जो उसके हिसाब से वो कहा है कि भैया तुम कंटिन्यू कर लो दैट एक्वायर डॉट एक्सचेंजेस तो ऐसे केस में क्या करेंगे अगर वो अनवेस्टेड है अनवेस्टेड यानी कि अभी दो साल हुए हैं आउट ऑफ फोर इयर्स तो जो सब्सिडी की हिसाब स्कीम है उसको मैं मार्केट बेसिस पे फेयर वैल्यू ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन पे मेजर करूंगा जो मेरे एग्जाम्पल में अस्सी रुपए आई थी ये सोच के कि ये होती है और इसे अलोकेट करूंगा प्री कॉम्बिनेशन और पोस्ट कॉम्बिनेशन में प्री कॉम्बिनेशन में वैसे ही आएगा फेयर वैल्यू ऑफ एक्जिटिंग रिवॉर्ड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 80 इन टू कंप्लीटेड वेस्टिंग पीरियड टू अपन विच एवर इज हायर फोर विच मीन फोर्टी इट रिल्स टू प्री कॉम्बिनेशन इसको एनसीआई में जोड़ देंगे एनसीआई जैसे बढ़ेगी गुडविल बढ़ जाएगा और जो पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड का है उसको वन जीरो टू के अनुसार फ्यूचर में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बुक हो जाएगा और सब्सिडी का शेयर बेस्ट पेमेंट रिजर्व बढ़ते जाएगा हाँ सिंपल सर सपोज कभी ऐसा होता कि वो ऑप्शन वेस्ट हो चुके हैं यानी ऑप्शन दिए थे चार साल पहले और आज वेस्ट हो गए पर एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज नहीं किया तो तो सिंपल है जितने भी वेस्टेड ऑप्शन हैं उन सबकी फेयर वैल्यू आप सीधे सीधे एनसीआई में जोड़ दो तो जितने वेस्ट हो गए उसको आप एनसीआई में जोड़ दीजिए क्या जो उसकी मार्केट बेस्ड फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल आ रही है वो ना की बुक वैल्यू तो हमें उसकी बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है हम एनसीआई में इतना जोड़ देंगे इन फैक्ट सही मायने में जो लोग कंसोलिडेशन पढ़ के रिवाइज करके आए हैं वो लोग इसका जवाब भी समझ सकते हैं क्यों क्योंकि आप एक चीज समझना अगर सब्सिडरी में कोई वेस्टेड इश्स है तो वो एक तरह से देखा जाए तो इट इज लाइक अ नॉन क्वालिफाइंग एनसीआई अपन ने पढ़ा था ना सब्सिडी की इक्विटी में एक इक्विटी शेयर कैपिटल होता है प्रेजेंट राइट इन द शेयर्स

किसके रिस्पेक्ट में शेयर बेस पेमेंट के रिस्पेक्ट में चलिए कोई डाउट्स है इस पर तो आप पूछ लीजिए वील स्पेंड अ कपल ऑफ मिनट्स ऑन डाउट्स एक क्विक प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको इसके ऊपर क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट दैट्स द रीजन फिर आगे बढ़ते हैं ये देख लो आप इससे क्लियर हो जाएगा आपको चलिए इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन विच वी आर कवरिंग योर फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द होल डिस्कशन एंड कंक्लूडिंग इट मैंने कंपनी के नेट एसेट एक्वायर किए थ्री लाख रुपीज़ के उसके एम्प्लॉई शेयर बेस्ट पेमेंट प्लान इक्विटी सेटल टेकन ओवर बाय एक्वायर एंड रिप्लेस ओन प्लान यानी रिप्लेसमेंट रिवॉर्ड है यानी कि एक तरह से मैंने उसके हिसाब खत्म करके अपने नए दे दिए इसकी फेयर वैल्यू ग्रांड डेट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लान यानी जिस दिन हॉटस्टार ने एक्चुअल में इशू किया था उस दिन इसकी ये फेयर वैल्यू थी लेकिन इसकी फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन

सॉरी <coughs> मैंने यहां पे क्या कहा है आई हैव कि uh, इस पर्टिकुलर केस में इसको फेयर वैल्यू ऑन द ग्रेट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लान थ्री लाख फाइव लाख रुपीज है एंड फेयर वैल्यू ऑन द्रांड रेट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लान हमारी कितनी थी फाइव लाख जिससे मतलब नहीं है डेट ऑफ एक्विजिशन पे इसकी फेयर वैल्यू कितनी है फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ है एंड ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड तीन था और ये पांच हो गया अब लैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जिस्टिंग प्लान की अगर मैं ये फेयर वैल्यू निकाल रहा हूँ फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तो मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मैं पीसी में कितना ऐड करूंगा तो इन दिस पर्टिकुलर केस में ये कहूंगा कि वॉट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल प्लान ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इट इज फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड डेट ऑफ एक्शन अपना टोटल फाइव और रिवाइजल से प्लान की फेयर वैल्यू है और मैंने टोटल पीरियड फाइव पॉइंट फाइव कर दिया थ्री डिवाइड बाई फाइव पॉइंट फाइव इसका मतलब ये हो जाएगा कि फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड इन टू थ्री अपॉन फाइव पॉइंट फाइव ये मैं कह दूंगा कि टू फोर फाइव Four five five is something which will be added to PC. तो अभी आपका PC तीन लाख पचास हजार है उसमें आप इतना और जोड़ दीजिए और आपकी ये नेट आइडेंटिफाइबल है डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा तो बैलेंसिंग फिगर समुड विल और ये PC में ऐड होगा तो कैसे होएगा? तो अगर ये पर्टिकुलर कंपनी मैंने एबजॉर्ब कर लिया तो मैं अपने शेयर दे रहा हूँ इसे तो फिर मैं अपना शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व बढ़ा दूंगा पर कंपनी एब्जॉर्ब नहीं किए शेयर एक्वायर किए तो फिर उस केस एन सी आई में एड हो जाएगा एक्सक्यूज ठीक है इसके कुछ इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कुछ सोल्यूशन है सोल्व आप उससे भी चाहें तो इसको डिस्कस कर सकते हैं इनफैक्ट दे आर वेटी सिंपल एंड डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है चलिए तो ये अपना शेयर बेस पेमेंट रिजर्व हुआ इनफैक्ट किस तरह से इस ऑप्स अकाउंट फॉर किया जाता है ये एक इंस्टीट्यूट का कॉमन क्वेश्चन है एक बार क्विकली इसको भी दिखा देता हूँ आपको ग्रीन लिमिटेड ने पोल्यूशन को एक्वायर किया है एग्जिस्टिंग इक्विटी सेटल्ड अवार्ड्स रिप्लेस करने की बात करिए चलिए हरियाली को पॉल्यूशन ने हरियाली का हरण कर लिया एक्वायर कर लिया ओरिजिनल अवार्ड्स वेस्टिंग पीरियड पाँच साल के थे और एम्प्लॉय ऑलरेडी दो साल पूरे कर चुके हैं ग्रीन के अवार्ड्स रिप्लेस कर दिए गए अपने खुद के अवार्ड से और अच्छा हरियाली ने पॉल्यूशन को एक्वायर किया ये अच्छी बात है और रिप्लेसमेंट अवार्ड के अंतर्गत वेस्टिंग पीरियड अब रिड्यूस कर दिया गया टू ईयर्स फ्रॉम द एक्विजिशन डेट तो देखो टू आउट ऑफ फाइव पूरे हो चुके थे अब हमने रिमेनिंग पीरियड को टू ईयर्स रिड्यूस कर दिया है तो अब टोटल वेस्टिंग पीरियड मेरा कितना हो गया फोर ईयर्स हो गया ये बोल रहे हैं मार्केट बेस से अगर मैं मेजर करूं एक्विजिशन डेट पे तो ओरिजिनल वैल्यू अवार्ड की वैल्यू एक्विजिशन डेट पे पाँच सौ थी तो आप पीसी में पाँच सौ इंटू टू बाई फोर और फाइवर इज हायर फाइव इज हायर तो आप दो सौ रुपये पी में एड कर दीजिएगा अब आपने आज जो रिप्लेसमेंट अवॉर्ड दिए वो छह सौ रुपए की है तो आपकी फ्यूचर कॉस्ट कितनी होगी छह सौ माइनस दो सौ फोर हंड्रेड रुपीज को आपको फ्यूचर में खर्चा बुक करना है एज पर इंडियस वन जीरो टू इस तरह के क्वेश्चन से आप इसको बाद में रिवाइज करना मैंने मेरे हिसाब से आई हैव काइंड ऑफ कवर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग वेरी वेल एंड आई हैव आल्सो कवर्ड ऑल द पॉसिबिलिटीज व्हिच कैन पॉसिबिलिटीजराइज ए वेदर इट इज एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और इट इज एक्विजिशन ऑफ कंपनी अंडर अ बिजनेस कॉम्बिनेशन कूल चलिए इन केस ऑफ कंसोलिडेशन कंसल्टेशन एम्प्लॉय एक्सपेंस टू बी बुकेंट से पोस्ट डेट ऑफ एक्विजिशन पीरियड दोस्तों एक सिंपल सी चीज समझिए अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर एक्वायर किए और उसके हिसाब कंटिन्यू करने की बात की है तो कॉस्ट वही बुक करेगा लेकिन मैंने कोई कंपनी एक्वायर कर ली है तो वो सब्सिडरी बची नहीं तो ये आपका सवाल आएगा ही नहीं कि सब्सिडरी के एम्प्लॉय का खर्चा क्या पेरेंट बुक करेगा क्योंकि सब्सिडरी बची नहीं एक पॉसिबिलिटी जरूर आ सकती है जिसमें मैंने शेयर्स एक्वायर किए हैं कंपनी एब्सॉर्ब नहीं करी और पेरेंट ने सब्सिडरी को बुलाया यानी हॉटस्टार के को बुलाया हॉटस्टार कंपनी चलेगी क्योंकि हमने शेयर खरीदे पर हॉटस्टार तुम्हारे एंप्लॉय को हॉटस्टार के शेयर नहीं मिलेंगे अब डिजनी के शेयर मिलेंगे ऐसी सिचुएशन में ये जो अपन ने अभी अकाउंटिंग करी है क्या पीसी में ऐड होगा एनसीआई में ऐड होगा वो सेम रहेगी पर आज के बाद से अब प्रॉब्लम ये होगी कि अब इस पर्टिकुलर केस में जो सब्सिडरी कंपनी है कौन सब्सिडरी कंपनी हॉटस्टार उसके एम्प्लॉय को शेयर किसके मिलेंगे डिजनी के तो इसके लिए फिर अपन डिस्कशन करेंगे एकदम तो लास्ट में पर आपने अभी पूछा है तो चलो बता देता हूं ऐसी सिचुएशन में होता यह है कि जिसका एम्प्लॉय है वो अपनी बुक्स में खर्चा बुक करेगा तो हॉटस्टार के एम्प्लॉय है तो खर्चा एम्प्लॉय बेनिफिट का हॉटस्टार बुक करेगा पर क्योंकि हॉटस्टार शेयर इश्यू नहीं कर रहा है डिजनी शेयर इश्यू कर रहा है तो सवाल उठेगा क्या डिजनी हॉटस्टार से रिमबर्स कराएगा इसे अज्यूमिंग नहीं कराएगा तो इस केस में हॉटस्टार की बुक्स में एंट्री आने वाले सालों में होगी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी किसका पैसा इक्विटी बढ़ती जाएगी पेरेंट की क्योंकि पेरेंट फंडिंग दे रहे हैं और पेरेंट अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट सब इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्यों क्योंकि ये सब 102 का पार्ट है वहां डिस्कस होता है क्यों क्योंकि ये फ्यूचर की अकाउंटिंग आप पूछ रहे हो ना कि डेट ऑफ एक्विजिशन की यहां पे सिर्फ डेट ऑफ एक्विजिशन डिस्कस होगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्यों नहीं कंसिडर करते वन जीरो टू ना आप समझ पाएंगे बेटा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्यों कंसिडर करेंगे क्योंकि शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू नब्बे रुपए पर मैं एम्प्लॉई को बोल रहा हूं मैं तुम्हें दस रुपए में दूंगा तो एम्प्लॉई को फायदा अस्सी का ही मिल रहा है ना इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन चलिए बिजनेस की डेफिनेशन का अमेंडमेंट भी कवर करना लगते हैं भाई पहली बार आए इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं है, कोई चीज छोड़ जाए ऐसा होता ही नहीं चलिए स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लग रही है थोड़ा सा तेजी के साथ आप तैयार हो जाएं दोस्तों क्यों क्योंकि एज सच ये लेक्चर आप पे या यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल रहेगा आप बाद में देख सकते हो बट फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी वी टू बी फास्ट हॉट स्टार के लिए ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी हो जाएगा फ्यूचर की अकाउंटिंग वन में डिस्कस करेंगे ब्रीफ में मैंने आपको बता दी प्री किसी ने हरदेव ने कैलकुलेट किया था टू जीरो फोर कुल चलिए तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट अब अपन आगे बढ़ सकते हैं तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट तो हम किसकी बात कर रहे थे मैं बोल रहा था कि यार जब मैंने कोई सब्सिडरी या कंपनी को एक्वायर किया है एब्जॉर्ब किया है तो हो सकता है कि मैंने उसको पीसी देने के साथ साथ पॉसिबल है कि उसके किसी डायरेक्टर को आगे रोकने के लिए कहा हो तो वो पीसी में कब ऐड करना नहीं करना ये पढ़ लिया हो सकता है उस कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हों ये ऐसे कई सारे एम्प्लॉयज हैं ये एम्प्लॉयज को इस तरह के ई सॉब्स दिए जा रहे थे हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में इन्हें जो ई सॉप दिए जा रहे हैं इसमें जो ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी तक उसकी जो हमने प्रॉमिस की है वो हम हमारे पी सी एन सी आई में बढ़ा के हमारी गुडविल बढ़ा देंगे और आगे का खर्चा आगे बुक करेंगे ये दो चीजें डिस्कस हुई हमारी इसके अलावा भी हो सकता है कि जब आपने कोई कंपनी एक्वायर करी हो तो हो सकता है कि आपके और उसके बीच में पहले से किसी प्रकार के कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स या लीगल रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हो अब दोस्तों इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस आप अलग से डिस्कस होएगा बेटा उसका सेपरेट रिविजन होगा प्रिया एग्जाम्पल वही कंटिन्यू करता हूं मैं डिज्नी ने किसको एक्वायर किया हॉटस्टार को सुनना मेरी बात सर चेंज कर दो एग्जाम्पल थोड़ा सा कर देते कोई दिक्कत नहीं अभी एक और एग्जाम्पल से समझा दूंगा पर कंफ्यूजिंग है थोड़ा तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं डिजनी ने हॉटस्टार को एक्वायर किया तो पता है आपको डिज्नी और हॉटस्टार की पहली बार मुलाकात कब हुई थी कुछ साल पहले डिज्नी ने हॉटस्टार के ऊपर केस लगाया था केस कैसा केस डिज्नी का कहना है कि हॉटस्टार ने अपने सीरियल्स में कहीं डिज्नी के कैरेक्टर्स को दिखाया है और हमसे बिना परमिशन लिए ऐसा किया है तो देर आर कॉपी राइट इश्यूज समझना मेरी बात तो ऐसा हुआ था भैया कि हॉटस्टार ने अपने कोई हिंदी सीरियल के अंतर्गत हॉटस्टार के कई सारे सीरियल आते थे तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इसमें उनका कोई सीरियल था कौन से हॉटस्टार में सीरियल चलते हैं अनुपमा है ना कौन सा है जो भी तो अनुपमा सीरियल में एक बार ऐसा पुरानी बात है जब एक्वायर हुआ था उससे पहले कब तरह तो उन्होंने एक बार ऐसा कर लिया था कि भाई डिजनी के कैरेक्टर्स मिकी डोनाल्ड डोनाल्ड डक इनका मजाक उड़ाया था डिजनी को बहुत बुरा लगा उन्होंने उस कैरेक्टर को दिखाया भी डिजनी को बहुत बुरा लगा तो डिजनी ने हॉटस्टार पे केस लगाया था ये कब की बात बता रहा हूं मैं एक्वायर करने से पहले की वहां पे पहली बार अपनी हॉट स्टार के लोगों से मुलाकात हुई और डिजनी वाले फैन हो गए बोले यार ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इंडिया में तो नफरत से शुरू हुई ये रिलेशनशिप कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं पड़ा और एक दिन हमने डिसाइड किया कि नहीं हमें तो हॉटस्टार चाहिए अब दोस्तों ये कमर्शियल रिलेशनशिप है हमें मालूम है कि जो केस हमने हॉटस्टार के ऊपर लगाया है हम वो कोर्ट में केस जीत सकते हैं शायद ऐसी पूरी उम्मीद है क्योंकि उन्होंने गड़बड़ करी है गलती करी है हालांकि हो सकता है हॉटस्टार ने उसे अपनी बुक्स में कंटेनज लाइबिलिटी दिखाया हो या उसको बुक्स में प्रोवाइड फॉर किया हो ऐसा पॉसिबल है पर मुद्दे की बात एक छोटी सी यह है कि जो मैंने केस उसके ऊपर लगाया था इसके कारण कहीं ना कहीं मैं जब उस कंपनी को एक्वायर करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं उसका पीसी थोड़ा कम कर लूंगा उसको पैसे थोड़े से कम दे दूंगा क्योंकि मैं हॉटस्टार को क्या बोलूंगा कि देख बेटा तेरी कंपनी के ऊपर जो मैंने केस लगाया है लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक 50 करोड़ का कॉपीराइट केस उनके ऊपर लगाया है मैंने बोला मैं तेरी कंपनी नई भी खरीदूं तो इस केस में तो ये समझ ले कि आज ही अगर तू आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटल करेगा तुझे मैं मालूम है 10 करोड़ तो तुझे देना ही पड़ेंगे ये केस में गड़बड़ तो करी है तूने ये पैसा तो लगेगा अब क्योंकि अपनी ये बिजनेस रिलेशनशिप है तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर इस पर्टिकुलर केस की फेयर वैल्यू दस करोड़ है तो मैं ये बोलूंगा कि भाई एक काम कर हॉटस्टार मुझे दस करोड़ रुपए दे दे पहले और फिर मैं तेरी कंपनी को पूरे एक हजार करोड़ जो पीसी बनता है वो जितना भी बनता है वो दे सकता हूं या फिर मैं एक काम करता हूं मैं नौ करोड़ दे देता हूँ ऑब्वियस सी बात है वो जो केस तेरे ऊपर लगाया था वो कैंसिल कर देंगे विदड्रॉ कर देंगे अब उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी तो इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि यहां पर आपका पीसी आपकी कोई पुरानी रिश्तेदारी के कारण इंफ्लुएंस हो रहा है इसे कहा जाता है प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अंडर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप द एक्वायर एंड एक्वायरी बिफोर एंटरिंग इन टू द ट्रांजेक्शन ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस वर ऑलरेडी हैविंग सम लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम दीज लीगल रिलेशनशिप्स

तो इसको अगर अपने को रटना है तो कैसे रट सकते हैं इफ देर इज अंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग प्रायर टू द डेट ऑफ एक्विजिशन बिटवीन द द द एंड एक्वायरी इन सच इफ इज अ यानी केस लगाने वाला तो उसने डेफिनेटली क्या किया होगा पीसी कम दिया होगा कितने से फेयर वैल्यू ऑफ दैट केस से तो आप पीसी बढ़ा दो और उतना प्रॉफिट बुक कर लो अगर आपने अपनी बुक्स में कोई असेट रिकॉर्ड कर रखा है कंटीज अट नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं होता है तो उसके कंटिन्यूंटेट के ओवर एंड अभाव कुछ मिला है तो वो प्रॉफिट बुक कर लो लेकिन अगर मैं डिफेंडेंट हूं क्या मतलब मैं डिफेंडेंट हूं लेट्स से फॉर मैंने जब उस कंपनी को एक्वायर किया उस कंपनी ने मुझे मेरे ऊपर पहले से केस लगा रखा है तो सेट स्टार, स्टार ने पहले डिज्नी के ऊपर केस लगा रखा था इसी तरह का कोई कॉपीराइट का तो मैं जब उस कंपनी को एक्वायर करूंगा और उसे हजार करोड़ रुपए उसकी कंपनी की वर्थ का पीसी दूंगा तो वो क्या बोलेगा भैया जो हमने आपके ऊपर पुराना केस लगा रखा है उसके पैसे भी तो हमको चाहिए आज उसे आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करोगे तो आप उसके हमको लच्चे फॉर एक्जाम्पल फाइव करोड़ दोगे तो हमें पहले वो फाइव करोड़ दो फिर हजार करोड़ दो तो मैं बोलूंगा चल एक हजार पांच करोड़ ले और कम नहीं दे दे तो आपने जो ज्यादा पैसे दिए उसमें पाँच करोड़ पुराने आपके लीगल केस सेटल करने के लिए दिए तो उसको आपको पीसी से हटाना पड़ेगा तो सिंपल सी तरीका है खरीदने वाला अगर केस लगाने वाला है तो उसने पीसी कम दिया होगा खरीदने वाला अगर डिफेंडेंट है जिसपे केस लगा रखा है सामने वाली कंपनी ने तो इस पर्टिकुलर केस में उसने पीसी बढ़ा के दिया होगा हमें पीसी वो चाहिए जो ये रिलेशनशिप के अलावा है क्योंकि ये तो पुराने रिश्ते हैं जो अदरवाइज आपको सेटल करना पड़ते हैं तो इसके लिए हमें इसे एडजस्ट करना है तो पीसी कैसे कम ज्यादा करेंगे बहुत ही सिंपल सा तरीका है केस लगाने वाला है अगर एक्वायर तो पीसी कम किया होगा तो पीसी बढ़ा दो और फिर वैल्यू को प्रॉफिट बुक कर दो या सेट से सेट ऑफ करके एक्सेस प्रॉफिट बुक कर दो लेकिन अगर खरीदने वाला डिफेंडेंट है जिसपे केस लग रखा है तो उसने पीसी ज्यादा दिया होगा तो जितना पैसा उसने ज्यादा उस केस के कारण दिया उसको पीसी से हटा दो और ये मान लो कि वो आपकी लाइब्रिलिटी सेटल करने की आपकी कॉस्ट है अगर आपकी बुक्स में कोई लाइब्रिटी ऑलरेडी रिकोगनाइज है उससे कम ज्यादा पैसे को गेन लॉस बुक कर लो नहीं रिकोगनाइज है तो जो पैसा दिया पूरा लॉस बुक कर दो दिस इज समथिंग विच इज टर्म प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप सेटल करने की कॉस्ट का क्या इंपैक्ट आपके पीसी के ऊपर आएगा चलिए तो दिस इज प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप लुक्स गुड टू मी आई होप समझ में भी आया आप लोगों को लच्छे बीजेपी ने आपको एक्वायर कर लिया हजार करोड़ में क्या बात कर रहे हो केजरीवाल जी को इतना दे दिया नेट एसेट जो एक्वायर किए आपके उसमें पीपी 800 -पी करोड़ का था करंट एसेट 400 करोड़ के थे लाइबिलिटी 500 करोड़ की थी आपने केस फाइल किया हुआ था बीजेपी के ऊपर चले अच्छे फॉर एग्जाम्पल अरविंद जी ने केस लगा रखे थे बीजेपी के ऊपर और वो अलग अलग जो केस लगा रखे थे उनकी डेट ऑफ एक्विजिशन पे फेयर वैल्यू एक करोड़ रुपये थी बीजेपी को लग रहा था कि इसमें 80 करोड़ तो उनको पहले से ही लग रहा था देने तो उसकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है अब इस पर्टिकुलर केस में आप बताइए बीजेपी ने जो पीसी टोटल एक हज़ार करोड़ आपको दे रखा है किसको आपको ये सब मिला झुला के ये बोल रहे हैं ये पीसी है पर ये एक्चुअल में पीसी नहीं है ये टोटल परचेज कंसिड्रेशन में आप दिखा रहे हो विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल दिस तो हम ये कहेंगे कि भैया हज़ार करोड़ में जो हमारे ऊपर केस लगे हुए हैं एक सौ पचास करोड़ तो उसी का है तो उस लॉजिक से हमें क्या कहना पड़ेगा कि हम इससे एक सौ पचास माइनस कर देंगे तो हमारा इफेक्टिव पीसी सी फिफ्टी होगा

कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप मतलब क्या क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जिस कंपनी को एक्वायर किया उस कंपनी के साथ मेरा पुराना कोई कॉन्ट्रैक्ट चले आ रहा हो बिल्कुल हो सकता है सर क्या प्रॉब्लम तो अगर कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट चले आ रहा है तो हो सकता है कि उसके अंतर्गत भी मुझे कुछ पैसे का लेन देन करना पड़े तो क्या मतलब सर इसका समझने का आल एक्सप्लेन इट देखिए लेट्स डिज्नी ने जब हॉटस्टार को एक्वायर किया किसी ने बोला बेटा एफ एस में लॉस नहीं क्योंकि ये ये एक्वायरर एक्वायरर है, तो ये ने उस कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया है तो ऑटोमेटिकली लॉस बुक होएगा, पर ऐसा मत बोलो एस एफ एस में होगा क्यों क्योंकि एक्वायरर है, है तो उसके स्टैंडलो ही बन रहे सब्सिडी वाली बात और एनी विच चलिए ताज और आलू वाला कॉन्सेप्ट याद आ गया किसी का डिज्नी ने हॉटस्टार को जब एक्वायर किया तो उससे कुछ समय पहले ही मैंने हॉटस्टार को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था हमारे लिए एक सीरियल बनाने का और ये कॉन्ट्रैक्ट सौ करोड़ का था ये पहले से हो चुका है जिसमें सामने वाले को बनाना था हमारे लिए एक सीरियल और हमें उसको उसके सौ करोड़ रुपए देना थे। इसमें हॉटस्टार बड़ा खुश था क्योंकि उसको लग रहा था सीरियल बनाने की उसकी टोटल कॉस्ट सिक्सटी करोड़ जाएगी, फोर्टी करोड़ का प्रॉफिट कमा लेगा हम भी खुश थे कि हम भी इससे सीरियल से आगे बना के पैसे बना लेंगे हमारे बीच में एक रिलेशनशिप थी अब आप समझिए कि अगर मैंने हॉटस्टार को एक्वायर कर लिया तो इस रिलेशनशिप का तो कोई इंपैक्ट पड़ना ही नहीं है नॉर्मली इसका इंपैक्ट कब पड़ेगा जब ये जो ट्रांजैक्शन हमने किया है ये किसी भी एक पार्टी के लिए फेवरेबल या अनफेवरेबल हो जाए इसका मतलब क्या है ध्यान से सुनना हमने हॉटस्टार को बोला था कि हॉटस्टार तुम्हें एक सीरियल बनाना है हमारे लिए, जिसके हम तुम्हें सौ करोड़ रुपए देंगे और उस सीरियल में तुम्हें सलमान खान को हीरो बनाना है। वो तुम्हारा होगा, और ने बोला टीके डाने कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया इसमें दोनों को लग रहा था प्रॉफिट होगा लेकिन कुछ समय बाद सलमान भाई ने अपने रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए और अब हॉटस्टार को लग रहा है कि अगर सलमान भाई को इस सीरियल में साइन करना पड़ेगा तो शगुन के 121 121 करोड़ तो वही मांग रहे हैं इसके अलावा हमें लगता है कि सलमान भाई के सीरियल में नॉर्मली दूसरी कोई कॉस्ट नहीं लगती है ना स्टोरी की ना डायरेक्शन की ना किसी और चीज की बस स्क्रीन पे सलमान भाई दिखते रहना चाहिए और उनके शर्ट आते जाते रहना चाहिए तो चार करोड़ के दूसरे खर्चे में पूरी मूवी बन जाएगी वन ट्वेंटी या सीरियल बन जाएगा तो उन्हें लग रहा है एक सौ पच्चीस करोड़ रुपए किसको हॉटस्टार को पैसे जेब से लगाना पड़ेंगे ये सीरियल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट उसने सौ करोड़ में कर दिया है ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिजनी हॉटस्टार को एक्वायर करेगा तो वो क्या बोलेगा यार हमने तुमको सीरियल बनाने का बोला था उसका क्या हुआ बोला यार अभी बनाना है अभी बनानी डिजनी क्या बोलेगा देखो अब तुम्हारी कंपनी हम एक्वायर कर लेंगे तो वो सीरियल भी अब हमें ही बनाना पड़ेगा और उस सीरियल में दिख रहा है 25 करोड़ का नुकसान है तो इसके लिए हम तुम्हें पीसी 25 करोड़ रुपए कम करके देंगे सीधी सी बात तो हम तुम्हें 975 करोड़ देंगे क्यों क्योंकि वो तुम्हारा नुकसान है तो हॉटस्टार ने मुझे कहा कि अरे उस कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा हुआ है क्या कि ये कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पार्टी कभी भी दस करोड़ का कॉम्पन्शन देके कैंसिल कर सकती है तो ऐसा होगा तो हम सीधे दस करोड़ देके आपको कैंसिल नहीं कर देंगे हम बोलेंगे चलो ठीक है इसका मतलब ये तो मानते हो दस करोड़ का नुकसान है तो पीसी दस करोड़ का हम नाइन नाइनटी करोड़ देते हैं खत्म खत्म तो ये क्या है समझ लो आप आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया इफ इट इज फेवरेबल टू द एक्वायरर गए डिज्नी बहुत खुश है कि सल्लू भाई वाला कॉन्ट्रैक्ट उसको बोल दिया था तो ये हमारे लिए फेवरेबल हो गया कि सल्लू भाई की कॉस्ट बढ़ गई है तो इसके लिए हमारे को अच्छा हो गया हमको एक सौ पच्चीस करोड़ वर्ग की चीज सौ करोड़ में मिलेगी <coughs> तो ये हमारे लिए फेवरेबल है तो हम उसे क्या बोलेंगे ले बना के दे बना के दे, दे वो बोलेगा आप कैसे बना के दो तुम तो मेरी कम खरीद करी मैंने बोला मेरी कॉस्ट हो जाएगी तो मैं तुझे पीसी कम दूंगा तो आपने पीसी कम दिया होगा पर ये पीसी कम क्यों दिया क्योंकि बिजनेस की वर्थ कम है नहीं इसलिए कम दिया क्यों क्योंकि ये पुराना अपना कॉन्ट्रैक्ट था उसके कारण से आपकी थोड़ी बचत हो गई इंडिया बोलता है इसका इफेक्ट नलीफाई करो पीसी पे तो पीसी आपको बढ़ाना पड़ेगा तो दिस इज समथिंग विच विल बी एडेड टू पीसी सपोज उल्टा होता मतलब क्या हुआ इसका से हमने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया सौ करोड़ पे वही कॉन्ट्रैक्ट आज हम किसी और को देते तो इजीली एट्टी करोड़ पे हम दे सकते थे तो हमारे लिए वो नुकसान हो गया बीस करोड़ का तो देन दैट पर्टिकुलर केस एक तरह से देखा जाए तो सामने वाली कंपनी क्या बोलेगी कि भैया हम वो कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्जीक्यूट करेंगे फिर तुम हमें खरीदना क्योंकि उसमें हमको बीस करोड़ का फायदा है हम बोलेंगे चल बीस करोड़ रुपए ज्यादा ले लो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो बोलेगा ठीक है फिर मैं बोलूंगा अरे नहीं नहीं इसमें तो पेनल्टी दस करोड़ के दस करोड़ देके भी कर सकता था तो दस करोड़ ही दूंगा तो इसका मतलब आपका पीसी आप बढ़ा के दे रहे हो कितने से बढ़ा के दे रहे हो पेनल्टी के अमाउंट के जितने से तो उतने को कम करना क्योंकि उसका इफेक्ट न करना है तो इट इज अनफेवरेबल फॉर दायर डिजनी के लिए अनफेवरेबल है तो देन दैट केस वी विल रिड्यूस इट फ्रॉम द पीसी क्योंकि पीसी बढ़ा हुआ होगा कितना रिड्यूस करेंगे लोअर ऑफ योर बी वॉट इज लोअर ऑफ योर बी ये लिखा है करंट फेयर वैल्यू ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट और द अमाउंट ऑफ स्टेटेड सेटलमेंट प्रोविजन अगर आज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे तो उस पर क्या कैंसिलेशन पेनल्टी लगेगी दोनों में जो भी कम तो सल्लू भाई को साइन करके बनाऊंगा तो 125 करोड़ कैंसिल कर दूंगा तो 10 करोड़ देना पड़ेगा सल्लू भाई को अपॉइंट किया तो 25 का नुकसान है कैंसिल पे 10 तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला 10 का नुकसान लेके कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होना पसंद करेगा इसके लिए मैक्सिमम मैं जो उसको पीसी कम कर सकता हूं वो टेन करोड़ कर सकता हूं तो इफेक्ट टेन करोड़ का आएगा एक नंबर है दोस्तों ब्रह्मास से अगर अभी तक आपको मोहब्बत नहीं हुई है तो पक्का बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद तो होना ही होना है क्या बनाया है आई मीन कम वक्त टू मच साथ ही साथ में इसकी अकाउंटिंग कैसे होएगी तो ये जो भी गेन लॉस है इसको अगर आपने कोई एसेट बुक कर रखा है तो आप ठीक है उससे एडजस्ट कर दो ऊपर मिलाए तो गेन लॉस बुक कर दो तो लेट से फॉर एग्जाम्पल दस करोड़ की पेनल्टी अगर मुझे मिलती तो मैं क्या करता इनकम बुक करता ना तो आप इनकम बुक कर लोगे अगर मुझे देना पड़ती तो लॉस बुक करता बुक कर लेते अगर मैं उसे मान के प्रोविजन बना चुका है तो इसका मतलब क्या हो गया बातों ही बातों में मैं, मैंने आपको यह कहा कि जब मैंने कोई कंपनी एक्वायर की है तो हो सकता है उसके साथ दूसरे कई ट्रांजैक्शन है जो मेरे पीसी को अफेक्ट करें पहला होगा एम्प्लॉ को लाने के लिए आगे पैसे देने की बात करी दूसरा होगा मेरे कोई पुराने कॉन्ट्रैक्ट आपस में चल रहे हैं या कोर्ट केसेस आपस में बीच में एक दूसरे के चल रहे हैं उसके सेटलमेंट की जो प्राइस है उसको पीसी से आए हटाना पड़ेगा और आखिरी का आ गया है कि अगर आपने कोई कंपनी एक्वायर करी है और हो सकता है कि जिस कंपनी को आपने एक्वायर किया वो कंपनी अपने आपको बेच रही है तो उसकी कई सारी कॉस्ट लगेगी उसका रिमबर्समेंट आपसे माने जिसे अपन रिमबर्समेंट कॉस्ट या ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहते हैं ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट को भी आप पीसी में एड नहीं करोगे पी ओर में जाएगा ए एस फोटीन अमल कमीशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जमाने में अगर ए बी को कोब्सार्व करता था तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो भी लगती थी वो गुडविल में एड होती थी यहाँ पे ऐसा नहीं है वो पी आर जाएगी इसी के साथ बातों ही बातों में मैंने आपको क्या बता दिया कि एसेट एक्विशन मेथड में प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स या कोई भी आपके सेपरेट फ्रॉम बिजनेस कॉम्बिनेशन के ट्रांजेक्शन साथ में हुए तो उसको मुझे किस तरह से हटाने का है अलग करने का है से अलग करने का है फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ताकि मैं प्योर पीसी वो निकाल सकूं जो इस कंपनी को अगर मैं एक्वायर करता और प्योर उस कंपनी के लिए जो आज की उसकी पोजिशन है उसके पैसे देता इग्नोरिंग एनी पैसा फॉर ईसॉफ इग्नोरिंग एनी ओल्ड ट्रांजेक्शन एग्जिस्टिंग इग्नोरिंग एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट वो मेरा रियल पीसी ठीक है भाई चलिए ये हो गया समझ में आ गया <laughs> बहुत बढ़िया ठीक चल रहा है ओके बढ़िया 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 अब इसमें एक और सिचुएशन आपको बताता हूँ वो री राइट right है इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स को कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है इसलिए ध्यान से सुनना चाहो तो सुन लो बहुत ही सिंपल है कोई खास बत्ता नहीं ट इज री एक्वाड राइट एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं थोड़ा चेंज करता हूं इस पर थोड़ा सा आपको इजी रहेगा फ्रेंचाइजी दिल्ली की दी थी किस को किसी एक दूसरी कंपनी को देर वॉज से फॉर एग्जाम्पल अन अदर कंपनी इन डेली विच वॉज रनिंग वर्चुअल क्लासेस देर और उनका फोन आया हमारे पास और उन्होंने बोला कि सर हम दिल्ली में आपकी क्लासेस चालू करना चाहते हैं मैंने बोला अरे क्या बात है बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं करो उन्होंने बोला सर आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं दिल्ली एक्सक्लूसिव में हम ही क्लास चलाएँगे आपकी वर्चुअल सेंटर पर मैंने बोला यार उसकी तो कॉस्ट है उन्होंने बोला सर बोलो आप कितनी है हमने बोला कितने साल के लिए उन्होंने बोला सर आप बताओ हमने बोला डेली पांच लाख रुपए पांच साल की फ्रेंचाइजी कॉस्ट है मैं उसने बोला डन डील मैंने उससे पांच लाख रुपए ले लिए और उसको पांच साल की एक्सक्लूसिव राइट्स दे दी क्या करने की दिल्ली में क्लासेस रन करने की अब हुआ ये कि फास्ट का वो जो मेरा फ्रेंचाइजी दिल्ली में काम कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है एज इन स्टूडेंट के फोन आते हैं कॉल आते हैं बताते हैं बोले सर बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं बंदे बहुत बढ़िया है यहाँ पे लोग बात एकदम हमारे सारी सवालों के बढ़िया प्रॉपर जवाब मिलते हैं वेरी हैप्पी विद मैंने बोला यार यही तो चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए बाकी तो आशीर्वाद है तो मैंने फोन लगाया मैंने बोला यार बहुत बढ़िया वेरी नाइस वेरी गुड अच्छा कर रहे हो गुड गुड शाबाश बहुत अच्छे मैंने बस सर, साथ रखना। मैंने क्या बात है मैंने ही तो दो साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और फिर अपन ने क्या किया अपन ने उस पर्टिकुलर कंपनी को एक्वायर कर लिया अब उसने की कई सारी एसेट्स रही होंगी लैंड बिल्डिंग शॉप जो भी है उनके इक्विपमेंट्स ये वो सब एक्वायर कर लिया तो लेट्स से फॉर एग्जांपल पचास लाख रुपए में अपन ने पूरी की पूरी कंपनी एक्वायर कर ली अब इस पचास लाख के बदले में मुझे उसकी लैंड प्लांट प्लांटर मशीन कंप्यूटर आई इक्विपमेंट फर्नीचर ये सारी एसेट फोर्टी लाख की मिल गई लाइब्रेटी कुछ नहीं थी दस लाख रुपए मैंने ज्यादा दिए हैं पर इसमें एक छोटा सा सवाल है मेरा आपके सामने वो ये कि कहीं ना कहीं मैंने उसे पांच साल की जो फ्रेंचाइजी राइट दी थी उसने उसे अपनी बुक्स में इंटेंजिबल दिखाया लाख लाख रुपए की की कॉस्ट पे साल साल लाइफ थी हर अमरटाइज करके उसकी बैलेंस शीट में तीन लाख रुपए पे इंटेंजिबल अट आ रहा है किस नाम से फ्रेंचाइजी राइट के नाम से जब मैंने उस कंपनी को एक्वायर किया तो उसकी कई सारी असेट्स में एक असेट मुझे दिखी फ्रेंचाइजी राइट ऑफ फास्ट थ्री लाख रुपीज मेरा आपसे छोटा सा सवाल इतना सा है। जब मैं उस कंपनी को एक्वायर करूंगा तो क्या उसकी बुक्स में वो जो फ्रेंचाइजी राइट थ्री लैक्स की दिख रही है क्या मैं उसे जब एब्सॉर्ब कर रहा हूं तो मैं उसे अपनी बुक्स में ला सकता हूं चलिए पोल हो जाए आज हुई नहीं है तो कैन फास्ट लिमिटेड ऑन एब्जॉर्बन और द कंपनी say delhi virtual center limited recognize the franchisee rights given by itself first to delhi virtual center limited and if yes at what value नंबर नहीं रिकॉर्ड कर सकते तो ऑबियस सी बात है वैल्यू पे होगा नंबर टू रिकॉर्ड कर सकते हैं और तीन लाख पे विच इज बेसिकली दी फ्रेंचाइजी फीस और रिकॉर्ड कर सकते हैं पर फेयर वैल्यू ऑफ सच फ्रेंचाइजी फीस बताइए <coughs> तो फास्ट ने जब डीवीसी को एक्वायर किया तो उसकी सारी एसेट फोर्टी लाख पे आई एक और एसेट थी उसकी बुक्स में विच्स फ्रेंचाइजी राइट जो मैंने ही उसको दी थी अब वो वापस मेरे पास आ गई तो पहला लॉजिक होता है यार अपन अपनी बुक्स में खुद को राइट थोड़ी ना दे सकते तो नहीं रिकॉर्ड होगा दूसरा लॉजिक होता है सर भले ही आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर पाओ नहीं कर पाओ इससे मतलब नहीं है क्यों क्योंकि सामने वाले ने तो उसके पैसे दिए हैं तो जब वो अपनी कंपनी आपको बेचेगा तो डेफिनेटली वो उसके भी तो पैसे मांगेगा वो क्या बोलेगा कि सर आपसे राइट ली थी मैंने पाँच लाख रुपए की दो साल हुए हैं पांच साल के लिए लिए तीन साल तो अभी बाकी हैं तो अगर ये राइट आपको रिटर्न कर रहा हूं तो इसके पैसे तो बनते हैं ना तो सामने वाला तो पैसे मांगेगा तो वो जब अपनी कंपनी की पी ही मांगेगा डिमांड करेगा तो पीसी में वो इसके भी पैसे डिमांड करेगा ऑब्वियस सी बात है मुझे देना भी पड़ेंगे क्योंकि मैंने पांच लाख पहले लिए तो मुझे तीन लाख तो लौटाना चाहिए तीन साल के तो तीन लाख पे वैल्यू कर लो हो सकता है वो ये बोल दे नहीं सर तीन लाख नहीं क्योंकि आपके हमने यहां पे सेंटर जमाया है और क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटर जमाया है तो उस पर्टिकुलर रीज़न से इस पर्टिकुलर सेंटर को जमा के आज देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स की एक ऐसी देखा जाए तो एक कम्युनिटी में एक बात स्प्रेड हुई है तो आज आपके पास कई सारे दूसरे भी फ़ोन आते होंगे फ्रेंचाइजीज लेने के लिए मैंने बोला हाँ यार बात तो सही बोल रहे हो और वो बोलता है कि आप बताओ सर आपके पास कोई फ्रेंचाइजी आता है तो आप को कितने पैसे ऑफ़र कर रहे हैं मैंने बोला यार बात तो सही बोल रहे हो कुछ लोगों ने तो ये भी बोला है कि आप हमें बचे हुए तीन साल के लिए ही पाँच लाख रुपए में दे दीजिए उसने बोला देखा मतलब सर इस फ्रेंचाइजी की अपनी फेयर वैल्यू आज पांच लाख रुपये होगी मैंने बोला हाँ यार बात तो सही कर रहे हैं तो टेक्निकली स्पीकिंग आप जो उस कंपनी को एक्वायर कर रहे हो उसमें जो फ्रेंचाइजी राइट है भले ही वो उसने कहीं और से नहीं आपसे लिए पर आप उसे वापस लोगे तो आपको उसको, उसको उसकी फेयर वैल्यू देना पड़ेगी एंड दैट इज वाई इन दिस पर्टिकुलर केस इंडिया कहता है कि इफ यू हैव एक्वायर्ड एनी पर्टिकुलर कंपनी इन विच इट इज हैविंग सर्टन राइट विच यू हैड गिवन टू हिम इट इज लाइक अ प्री एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप एब्सोल्यूटली

तो फिर आप यह मत सोचना कि सामने वाले के पास ये राइट आठ साल के लिए है आप ये पीरियड इग्नोर कर देना दैट इज वाई एक्सेप्शन दिया हुआ है कि राइट में अपन रिन्यूअल पीरियड को इग्नोर करके देखते हैं कि बचे हुए पीरियड की क्या फेयर वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड करते हैं तो मैं कहूंगा कि अच्छा ठीक है भाई चलो कितनी फेयर वैल्यू है इसकी तो बोल रहा है कि देखिए बचे हुए तीन साल की पांच लाख है तो मुझे पांच लाख पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर केस हैव टू रिकॉर्ड इट एंड रिकॉर्ड इट एट फ्रेंचाइजी फीस लाख अब इस केस में आपको नेट इफेक्ट अपनी बुक्स में क्या देना पड़ेगा तो देखो मैंने जब फ्रेंचाइजी फीस फाइव लाख रुपीज में आपको सेल करी थी या डेली के सेंटर को सेल की थी तो मैंने हर साल एक एक लाख खर्च इनकम बुक करी होगी तो फर्स्ट ईयर में एक लाख सेकेंड ईयर में एक लाख तो मेरी बुक्स में तीन लाख रुपए का एक फ्रेंचाइजी फीस रिसीव्ड इन एडवांस रहा होगा पर यही फ्रेंचाइजी फीस जब मैं वापस आपसे आप खरीद रहा हूं तो कितने पे आ रही है पांच लाख पे आ रही है तो टेक्निकली स्पीकिंग ये पांच लाख पे जब मैं ये फ्रेंचाइजी फीस आपसे वापस ले रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा इंडिया कहता है कि ऐसी सिचुएशन में आपकी बुक्स में लाइबिलिटी तीन लाख की आ रही है और आपने ये जो वापस लिया है ये पांच लाख पे लिया है तो इसका मतलब इफेक्टिवली वॉट यू टू डू इज आप तीन लाख की लाइबिलिटी सेट ऑफ कर दो आपके पांच लाख के उससे तो इफेक्टिवली ये क्या हो जाएगा दो लाख इसे आप अपना जो भी रिमेनिंग पीरियड है उसके अंतर्गत अमोटाइज कर दीजिएगा तो रीअक्वायर्ड राइट में सबसे पहली चीज आपको क्या करना है नंबर वन हैव टू एक्वायर फेयर वैल्यू भले ही आपने राइट दिया नंबर टू देन यू विल लमटाइज इट ओवर द रिमेनिंग पीरियड नंबर थ्री वाई लमटाइजिंग इट ओवर द रिमेनिंग पीरियड इफ यू ऑलरेडी हैव सम काइंड ऑफ अ लायबिलिटी व्हिच इज रेवेन्यू यू कैन सेट इट ऑफ एंड देन फिर ये राइट अगर मैं किसी और को भेज दू लच्चे फॉर एग्जांपल किसी और को मैंने डेली के फ्रेंचाइजी राइट दे दी तो उस पर जो भी गेन लॉस होगा बुक कर लेंगे तो सर ये प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप जैसा ही हो गया क्या काफी कुछ हाँ इनफैक्ट अगर आप इंडेस पढ़ोगे ना तो इंडेस में प्री एक्विजिशन या री एक् राइट की बात होती है बी 95 बी थर्टी फाइव पैराग्राफ में जो बोलते हैं कि आप बी फिफ्टी टू में चाहिए और पैरा फिफ्टी टू में चाहिए वहां पे प्री एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के जो फंडामेंटल है वो इसके ऊपर हो जाएंगे तो लेट्स नॉट कंफ्यूज बट इज अगर आपने कोई कंपनी एक्वायर की है जिसके पास कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट है या कोई कॉपीराइट या कोई ऐसा फ्रेंचाइजी राइट है जो आपने ही उसे दिया था और वो वापस आ रहा है तो उसे भी आप रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे भले ही आपकी बुक्स में अपने खुद के राइट आएंगे पर ऐसा हो सकता है क्योंकि पहले आपने उसको बेचा और अब आपने उसको वापस खरीदा है तो ये वैसी बात है भैया कि मैंने किसी को जमीन बेची थी अपनी और उससे आप वापस ले लिए तो अगर मैंने एक्चुअल में सेल करके वापस एक्चुअल में लिया तो मैं उसे आप फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करूंगा मेरी कॉस्ट उसकी बढ़ गई है उसे रिकॉर्ड करना चलिए तो ये बातों ही बातों में एक और डिस्कशन हो गया मेरा रिक्वायर्ड राइट्स का और इसी के साथ अब अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों कैसे आगे बढ़ रहे हैं अब मैं थोड़ा सा आपको एक ड्रोन व्यू देता हूँ व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि जो भी डिस्कशन चल रहा है दोस्तों वन जीरो थ्री के अंतर्गत काफ़ी कुछ कंसोलिडेशन में अपन डिस्कस कर चुके थे रिलेटेड था पर यहाँ पे अब क्या पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कुछ स्पेसिफिक बातें हो रही है जैसे कि कि भाई अगर आप कोई कंपनी एक्वायर कर रहे हो तो ध्यान रखना उसके पीसी में कोई दूसरा पैसा दिया हो तो उसको अलग कर दो E वगैरह लिए हैं तो उसको इस तरह से अकाउंट कर लेना सिमिलरली अगर उसकी इंटेंजिबल एसेट अगर आई है तो आप उसे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना हो सकता है कोई इन प्रोग्रेस रिसर्च एसेट हो जो नॉर्मली फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होती क्योंकि आधी अधूरी है इनफैक्ट वो रिकॉर्ड ही नहीं होती क्योंकि रिसर्च फेज में फिर भी फेयर वैल्यू पे लेके आ जाना यानी अपन जो पढ़ रहे हैं वो एक्सेप्शनल पॉइंट्स पढ़ रहे रीअक्वायर्ड राइट को फेयर वैल्यू पे मेजर करना फेयर वैल्यू में रिन्यूअल पीरियड को इग्नोर करना ये एक्सेप्शनल ऐसे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि भैया नॉर्मल से अलग है तो ऐसे और क्या क्या पॉइंट है जो वन जीरो थ्री में दिए गए हैं वो एक एक करके अब अपने को डिस्कस करना है तो आर देयर वी हैव टू डिस्कस अंडर तो ये इतने प्रकार के इसके क्या है कुछ ऐसे एक्सेप्शनल पॉइंट्स है जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ठीक है तो अब अपन वापस लाइन से शुरू हो जाते हैं ब्रह्मास से अगर मैं कंटिन्यू करूं वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन मैंने कोई कंपनी खरीदी और उसकी बुक्स में अगर कंटेन्य लाइबिलिटी आ रही है तो क्या आएगा चलिए यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा है एनी इश्यूज तो बताइए वी विल मूव ऑन पोल अपने टेलीग्राम पर है टेलीग्राम का लिंक आपको डाला हुआ है इन द चैट फीचर चैट ऊपर उसमें आप देख सकते हैं सेटलमेंट का फेवरेबल अनफेवरेबल लॉस सेम जो प्री एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल राइट का है वो आ सकता है चलिए इंस्टीट्यूट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एफआर पावर की एक अलग से स्ट्राइकर बनाई गई है उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो दिए हुए हैं आप उसको देख सकते हैं श्रेयांश जी चलिए ऑल गुड सर ऋतुराज चेज थैंक यू और बताएं तो इस तो सब कुछ ठीक चल रहा है ऑल गुड ओके एकदम परफेक्ट धन्यवाद बहुत बहुत पुलकित चलिए बताए भैया अ